पूछ रहे हैं। क्या पेज नंबर 44 में आ गए हम लोग। अच्छा अच्छा, पांचवी पेज भैया उसी में फर्स्ट हाफ में ही पूरा हो जाएगा। हाँ जी, तीसरा पैराग्राफ है 44 का। हाँ। वस्तुगत सत्य सत्यता वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग। अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलन ही व्यवहार। समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास पद्धति एवं प्रणाली ही अभ्यास है। तो किन चीजों को परिभाषित कर रहे हैं देखिए, जैसे इसको पढ़ने का विधि क्या है। एक तो प्रणेता या लेखक या गुरु इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो प्रत्येक वाक्य को हम टुकड़ा करके देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्रयोग क्या है उसको बता रहे हैं, उसके बाद व्यवहार क्या है उसको बता रहे हैं, उसके बाद अभ्यास क्या है इसको बता रहे हैं। तो हमने यदि नोट बनाया तो प्रयोग लिखा, उसके सामने उस वाक्य को लिखा, व्यवहार क्या है उसके सामने उस वाक्य को लिखा, है ना, अभ्यास क्या है उसके सामने उस वाक्य को लिखा। फिर यही वाक्य दर्शन में अनेकों जगह परिभाषित है। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ऐसे आपके नोट्स बनते जाएंगे है? तो फिर अंततः दो तीन ऐसे राउंड पढ़ने से हमको ये स्थिर होता है कि फिर हम सोचते भी रहेंगे उस पर, प्रयोग क्या है, व्यवहार क्या है, अभ्यास क्या है। तो कुल मिलाकर ये सारे शब्द जुड़ के वो एक क्रिया के रूप में हमको बनेगा कि ये प्रयोग है, ये व्यवहार है और ये अभ्यास है। इसमें एक छोटा वो लिख सकते हैं स्टार मार के, वस्तु स्थिति तथा वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग। यही स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो प्रयोग क्या है, हम जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ करते हैं इसका नाम प्रयोग है। क्या प्रयोग करेंगे, एक हमको भोजन बनाना है तो एक बार बना के देखेंगे प्रयोग, एक नई व्यंजन बनाए, नई डिश बनानी है उसको बना कर देखेंगे, फिर गोबर घास का प्लांट लगाना है ना उसका प्रयोग करके देखेंगे। एरोप्लेन पहली बार बना था धरती पे तो लोगों ने प्रयोग किया, राइट ब्रदर्स ना दोनों चढ़े उस पर, पता 100 फुट वो उड़ा और गिर गया, बट इतना ही उड़ा तो एक 10-20 फुट से नीचे गिरा तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा फ्रैक्चर वैक्चर हो गया। तो मनुष्य ऐसे प्रयोग करता है। तो प्रयोग जो है ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ है, ठीक है। व्यवहार मानव के साथ है। तो व्यवहार करते समय आधार क्या होगा, जाति होगा, धर्म होगा, शरीर होगा, लाभ होगा, प्रिय होगा, द्वेष होगा, मोह होगा, नहीं। अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब क्या है, सतत अध्ययन करना, अभ्यास करना, बार बार करना उसको। अनुसरण मतलब देख के करना, कुछ हम देखते हैं फिर बार बार हम उसमें लग जाते हैं, इसका नाम है व्यवहार। अभ्यास क्या है, समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास पद्धति एवं प्रणाली ही अभ्यास। अंडर ब्रैकेट अध्ययन लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा ही अभ्यास है, व्यवहार भी अभ्यास है, वो भी अभ्यास है। अभ्यास / अध्ययन लिख सकते हैं। अध्ययन क्या है, समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास पद्धति एवं प्रणाली, यह अध्ययन रूपी अभ्यास। हाँ ठीक है ना,
तो मनुष्य का जो भी अभ्यास है या अध्ययन है, किस उद्देश्य है कि समाधान हो जाए, ये अध्ययन का मूल उद्देश्य है। क्या समाधान? समस्या का समाधान या हमारे जिज्ञासाओं का समाधान, दोनों ही होता है। समस्या का समाधान किसके लिए है? दुख से मुक्ति या सुख से युक्ति। जिज्ञासाओं का समाधान किस चीज के लिए है? भ्रम से मुक्ति। क्या भ्रम होता है? मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, अस्तित्व के बारे में भ्रम, व्यवहार के बारे में भ्रम, है ना, परिवार के बारे में भ्रम, उत्पादन को लेकर भ्रम, स्वधन क्या है ये स्पष्ट नहीं होता है, ये स्पष्ट नहीं होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता, देश काल अधिकार वो उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। उपयोगिता तथा स्वीकृति, उपादेयता का मतलब स्वीकृति एवं अनिवार्यता, अनिवार्यता का मतलब क्या है, इसके बिना कर नहीं सकते, वो अनिवार्य है। अनिवार्यता देश काल अधिकार वो उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। तो हमको क्या करना है काम, ये देश काल के अनुसार ही समझ में आता है। जैसे हमने पढ़ लिया, समझ लिया या समझते जा रहे हैं, हम व्यवहार क्या करेंगे वो समय काल परिस्थिति को देखकर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये संस्था नई नई बनी है, बगल में बहुत सारा नील गाय है, तो पहला काम क्या करेंगे, शिविर करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे कि बाउंड्री को सुरक्षित करेंगे, भाई सर्वप्रथम बाउंड्री को सुरक्षित करेंगे। तो भौतिक विधि से पहले सुरक्षित हो जाए, फिर आर्थिक विधि से सुरक्षित हो जाए, फिर व्यवहार विधि से सुरक्षित हो जाए, ये इसका क्रम होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता देश काल अधिकार व उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम ह्रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, साथ में उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषण होना ही अध्ययन है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? प्रकृति के विकास की श्रृंखला में, प्रकृति जो है विकास की श्रृंखला में है, मध्यस्थ दर्शन कह रहा है, विकास क्रम, विकास जीवनी क्रम, जागृति क्रम और जागृति है, ठीक। होने वाले अंतिम ह्रास, अंतिम ह्रास क्या है? परमाणु का विघटित होना, ये जो बोल रहे थे परमाणु अंश, ये उसका अंतिम ह्रास की स्थिति है। अंतिम विकास की स्थिति क्या है, है ना, इकाई के रूप में देखेंगे तो गठन पूर्ण हो जाना, और मनुष्य इकाई के रूप में देखेंगे तो आचरण पूर्ण हो जाना। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम हमारे सामने आ पाना तथा उनमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित होना ही अध्ययन है। अध्ययन का परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। वही परमाणु का विघटन, हाँ आप पूछ रहे हैं कि बोल रहे, नहीं क्लियर हो रहा है माइक, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि सूर्य है, क्वेरी क्या है? जब अंतिम ह्रास की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल क्या आ सकता है? तो सन एग्जांपल आता है, सूर्य, हाँ, हाँ। तो ऐसा क्यों है? वो एक व्यवस्था में भागीदार कर रहा है। कोई भी वस्तु व्यवस्था से बाहर तो नहीं होगी। अंतिम ह्रास, सूर्य को अंतिम ह्रास इस अर्थ में कहा गया, कहाँ लिखा है सूर्य अंतिम ह्रास है? हाँ सुने हैं, जैसे इन्होंने भी कुछ सुना है परिवेश के बारे में, बताता हूँ। इकाई के रूप में यदि हम ग्रह गोल के रूप में देखेंगे अंतिम ह्रास को, तो ग्रह गोलों में अंतिम विकास क्या होगा? एक जागृत धरती, जहाँ पर पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, मानव है तथा मानव व्यवस्था पूर्वक जी रहा है, यह अंतिम विकास है किसी धरती का। धरती का अंतिम ह्रास क्या होगा? पदार्थ अवस्था भी नहीं बन पा रहे, मतलब जितने प्रकार के परमाणु है वो हो ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो सूर्य को देखेंगे तो ठोस है ही नहीं उस पर, उसमें गैसेस है, प्लाज्मा स्टेट है, मतलब पदार्थ ही नहीं बन पा रहा है, परमाणु ही बन नहीं पा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में चले गया वो, तो हो ही नहीं पा रहा है गठन परमाणु का है?
उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का जो संलयन और विघटन होता है वो हाइड्रोजन हीलियम के रूप में भी परमाणु में बिगड़ रहा है, बन रहा बिगड़ रहा है, तभी तो कह रहे हैं कि वो कूलिंग के स्टेट में जा रहा है। तो कुछ वो आंकड़ा देते हैं अभी वैज्ञानिक कि इतने इतने करोड़ों अरबों वर्ष के बाद वो ठंडा होकर धरती बनेगा। ठीक, वैसे ही हम परमाणु स्थिति में देखेंगे तो अंतिम ह्रास क्या होगा भाई, परमाणु कभी विघटन हो जाना अंतिम ह्रास है। अभी जैसे क्योंकि ये तो ग्रह गोल की चर्चा हो गई, इसी धरती पे जैसे स्विट्जरलैंड और फ्रांस के नीचे एक टनल बनाया LHC कहते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, तो बहुत पावरफुल मैग्नेटिज्म का एक फील्ड क्रिएट करके पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, है ना, एक्सीलरेट करके उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ के फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वहाँ पर यदि देखेंगे तो इकाई का अंतिम ह्रास। बट यहाँ ये जो वाक्य है ये क्या कह रहा है कि प्रकृति में विकास की एक श्रृंखला है, उस विकास के श्रृंखला के कड़ियों को समझना तथा उन कड़ियों में जो भी स्थितियाँ हैं उनके आपस के अंतर संबंध के नियमों का विश्लेषित होना ही अध्ययन है। ये समझ में आता है? क्या उदाहरण हुआ इसका, जैसे पदार्थ अवस्था विकसित होकर प्राण अवस्था होता है, तो पदार्थ अवस्था अपने में होने का नियम का अध्ययन, पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के साथ होने का अध्ययन, प्राण अवस्था विकसित होकर जीवावस्था होता है तो प्राण अवस्था से जीवावस्था होने का प्रक्रिया का अध्ययन तथा इनके बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन, प्राण अवस्था का भी अंतर संबंध का अध्ययन, जीवावस्था की इकाई के अंतर संबंधों का अध्ययन। जैसे कल हमने यहाँ पर एक बात की थी, है ना, वो सेल बन के पूरा ये एक विकास की एक श्रृंखला है, होते होते ब्रेन तक, याद है इधर जो था, है ना, ब्रेन तक पूरी बात किया था हमने। तो वैसे ही मानव में जो संबंध है उसका आधार उसके नियम, तो मानव में सर्वप्रथम जो नियम या मनुष्य और मनुष्यत मतलब जो समाज है इनके बीच में यदि अंतर संबंध को देखेंगे तो सामाजिक नियम के रूप में समझ में आता है। दो मानवों के बीच में नियमों को समझेंगे तो संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, न्याय के रूप में समझ में आता है। एक समझ में आता है? तो कुल मिलाकर प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम ह्रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित होना ही अध्ययन है। अध्ययन से संबंधित क्रिया ही प्रयोग, व्यवसार, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास है। मतलब इसी अध्ययन के लिए उपरोक्त दिया हुआ प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, प्रयास एवं अभ्यास है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ में अध्ययन और अभ्यास को परिभाषित किया है। यह विश्लेषित होना मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण समझना, विश्लेषण भी समझना ही है। विश्लेषित मतलब समझना, खोलना, विश्लेषण मतलब एक गोला है उसको खोलते हैं, इसका नाम है विश्लेषण। ये वृत्ति की क्रिया है। जैसे मानव और मानव के बीच संबंध कैसा होगा, ये चित्र एक गोला है, इसको खोलेंगे तो उसके टुकड़े करेंगे। भाई एक समय में आदमी एक दूसरे से बात करेगा, दूसरा एक माँ बच्चे का देखभाल करेगी, एक भाई भाई के साथ बात करेगा, ये सब उसका विश्लेषण है, टुकड़ा है। तो मानव मानव में संबंध यदि हमने गोला बना दिया, उसको टुकड़ा करेंगे तो कितनी प्रकार की पूरकता है, उसको पूरा खोल सकते हैं, है ना। एक संतान पैदा होगा, है ना, तो एक पूरकता है संतान और माँ बाप के बीच। फिर वो पति पत्नी होंगे तो पति पत्नी के बीच एक पूरकता दिखेगा। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, उसके दो तीन दोस्त बनते, जैसे अभी ये छोटू है, इसका कोई दोस्त मित्र नहीं है, वो माँ बाप के अराउंड ही घूमते रहता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यदि 4 साल बाद इस शिविर में आएंगे तो अंदर नहीं दिखेगा, बाहर दिखेगा वो, क्योंकि उसको 3-4 वो बन जाएंगे तो मित्र वाला हो जाएगा। ठीक, फिर भाई बहन एक पूरकता हो गया। फिर स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है तो गुरु के साथ कोई चीज़ बनता है। एक दिन वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कोई काम करता है, काम करने के लिए 4 लोगों का मदद लेता है तो साथी सहयोगी संबंध बन जाता है। करते हुए संस्कृति सभ्यता में कुछ भागीदारी होता है, ना, घर में कुछ काम करता है, या मान लीजिए तो पोस्ट ऑफिस जाता है तो व्यवस्था संबंध खुल जाएगा। तो ये क्या हो गया, मनुष्य मनुष्य के बीच में संबंध का जो गोला है, मानव के जीने की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें कितने कितने प्रकार के पूरकता कौन कौन से स्टेज में आता है, ये विश्लेषित होना।
सकती है मानव मानव के बीच व्यवहार के रूप में, ठीक है ना। वैसे ही ये जब वयस्क हो जाएगा तो समाज के साथ इसकी इंट्रैक्शन की स्वरूप क्या होगी, समाज से लेगा कि देगा कि शोषण करेगा, ठीक। तो शोषण नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा का मतलब क्या, परधन नहीं करेगा, पर नारी पर पुरुष नहीं करेगा, पर पीड़ा नहीं करेगा, मतलब कम से कम जीने से समाज के साथ उसका न्यूसेंस वैल्यू कुछ नहीं होगा। मदद करना तो दूर, हेडेक तो नहीं बने। अभी एक दूसरे के लिए आदमी हेडेक बना हुआ है, पूरा पेपर खोलो केवल हेडेक की ही चर्चा है। इसने इसके ऊपर केस ठोक दी, इसने यहाँ अपराध किया, इसने चोरी किया, ये इसकी पत्नी के साथ भाग गया, यही मिलता है ना। ये सामाजिक नियम, ये ठीक है। ऐसे ही हर परस्परता के लिए सोचना है ना, बीज से लेकर पौधा तक, पौधा से लेकर धरती तक, इसी का नाम अध्ययन है। इसका कुछ भाग अस्तित्व दर्शन में अध्ययन हो जाएगा, कुछ अंतर संबंध जीवन ज्ञान के अंतर्गत अध्ययन हो जाएगा, कुछ मानवतापूर्ण आचरण के अंतर्गत अध्ययन हो जाएगा, कुछ मानवीय परंपरा के अंतर्गत कुछ संबंध अध्ययन में आ जाएंगे। तो इसका नाम है अध्ययन, फिर लिखे हैं प्रयोग, फिर लिखे हैं व्यवहार। ठीक है, इसका नाम है अध्ययन। ये जो लिखा मैंने अपने भाषा में लिख दिया, वहाँ जो लिखा था, वहाँ जो लिखा हो तो लिखा ही, उसको पुनः लिख के फायदा नहीं है, ठीक। तो ये अध्ययन क्या देता है, वस्तु होने का स्वरूप होता है, तो होने के रूप में क्या है, ठीक। फिर वैसा रहना कैसे रह पाएंगे, उसके लिए अभ्यास। एक अभ्यास को लिखा है प्रयोग, इसका नाम है कर्म अभ्यास। भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ, है ना, ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है, वस्तुगत सत्यता का उद्घाटन क्रिया। थोड़ा भारी शब्द उपयोग किया है इधर, वस्तुगत सत्य का उद्घाटन, यहां पर रूप और गुण ही प्रधान रूप में रहेगा। प्रयोग यदि करना है तो वस्तु स्थिति उसके साथ लगेगा, वो यहां नहीं लिखा है, बट उसको सोचेंगे तो बिना वस्तु स्थिति का प्रयोग नहीं है। मतलब क्या है, हमको कोई काम करना है तो पहले देश को निश्चित करना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्री लगानी, इधर लगाऊंगा उधर लगाऊंगा इधर लगाऊंगा, पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा, बराबर ना। मुझे फैक्ट्री लगानी और फिक्स ही नहीं किया, ये दुकान लगाना है कुछ भी, तो पहले देश को फिक्स करेंगे, है ना, कब लगाएंगे कैसे लगाएंगे, कम से कम ये दो मुद्दे तो आएंगे उसमें, कितने जगह में, कौन से स्थान में, ठीक, कितने जगह में होगा, कौन से स्थान में होगा, वो दिशा से पता चलता है। क्या पता चलेगा भाई, मुरमुंडा मेन रोड और कुमारी मेन रोड के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में इतने एरिया में मैं ज़मीन लगाऊंगा, कब लगाऊंगा, ऐसा लगाऊंगा, इतने टाइम में लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये पूरा मिलके एक प्रयोग, ये एक अभ्यास। दूसरा आया है व्यवहार,
इसको व्यवहार कह रहे हैं ना। व्यवहार में क्या लिखा है, अखंड समाज का अनुकरण अनुशीलन। अखंड समाज का अनुकरण अनुशीलन का मतलब क्या है, अखंड समाज की पहली इकाई परिवार है ना, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्र। तो ये सारे में मेरे व्यवहार का एक पूरा सिस्टम बनता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये परिवार के सीमा में नहीं है, है ना। आप लोग समाज की इकाई हैं, हम आपके बीच जो संबंध है इन 10 दिनों के लिए है, उसके बाद कोई अनिवार्यता उसमें नहीं है, वो ऐच्छिक है। उसके बाद नहीं नहीं अलग है, स्थिति सत्य वस्तु, स्थिति सत्य का मतलब देश दिशा काल, वस्तुगत सत्य रूप गुण प्लस, अच्छा पेन की कड़की हो गई है, और स्वभाव धर्म। स्थिति सत्य का मतलब ये पूरा जो है व्यापक वस्तु में संपृक्त है, ठीक है। तो ये हो गया व्यवहार। फिर लिखे हैं अभ्यास, इसको अभ्यास लिखा है अलग से, समाधान प्लस अनुभूति निरंतरता के लिए प्रयास पद्धति। बट ये पूरा ही अभ्यास आएगा एक्चुअली, इसको ऐसा मत लिखिए कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, अस्तित्व की पूर्णता, हाँ अस्तित्व की पूर्णता समझ में आना। अभ्यास समाधान अनुभूति की निरंतरता के लिए प्रयास, और क्या लिखा है इसमें, पद्धति प्रणाली, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अध्ययन करने के लिए भी अभ्यास होता है ना। तो ये हम शुरू करते हैं शास्त्र अभ्यास से, है ना, या साक्षात्कार करने के लिए जो भी, उसका फलन है अध्ययन। शास्त्राभ्यास का फलन है कोई समझ, जैसे अभी भी आप में कुछ समझ बनी है ना, साक्षात्कार से वो समझ स्थिर होगा, अवधारणा से, हाँ अवधारणा से दृढ़ हो जाएगा, है ना, अनुभव में पूरा हो जाएगा। उसके साथ और क्या अभ्यास है भाई, कर्म का अभ्यास और व्यवहार का अभ्यास। तो ये अध्ययन और अभ्यास ऐसे गुंथा हुआ है, इसको सेट करना इतना आसान गेम नहीं है, कई वर्ष लगे, वो कहीं इधर ऐसा आता है कहीं उधर आता है ना। तो इसी को हम नेक्स्ट टाइम, यदि दिल्ली कोई जाएगा ना, उधर दिलशाद गार्डन के पास ये सोलो का पेन मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, मैं मंगा के यहाँ एक पूरा डब्बा भेजा था कहीं, तो शायद वही चल रहा है अभी तक। हाँ ये 2 साल पहले एक डब्बा मंगा के योगेश भैया के हाथ भेजा था मैं, वहाँ एक रखा था कीरतपुर में, इधर
तो उसमें वो रीफिल होके थिक लिखता है, बट हालांकि इंक ज़्यादा पीता है, बट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। देखिए ना, 2 साल हो गया उसको, ये नया है, वो वाला फिर पुराना जिस, हाँ जिसका पूरा वो हो गया। ये मैं हापुड़ गया था तो उधर किसी ने बताया था, हापुड़ के शिविर में इसको मोटा पेन, तो उन्होंने उसको वो किया कि सोलो अमेज़ॉन पे मिलता है, सोलो रिफिलेबल मार्कर अमेज़ॉन पे मिलता है, मतलब अमेज़ॉन पे बेचते हैं। अमेज़ॉन तो वर्चुअल है, सब अमेज़ॉन को ही बोल के कुछ चीज़ ही नहीं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है अमेज़ॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अध्ययन एंड अभ्यास, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है इसको सेट करना, क्योंकि आपने अभ्यास दर्शन पढ़ा है ना, तो अभी आप अभ्यास को उस दर्शन के अनुसार सेट कर सकते हैं। मध्यस्थ दर्शन कर्म अभ्यास के बारे में कुछ लिखता नहीं है, पहले से जो परंपरा में आ रही है वही कर्म अभ्यास, जैसे चश्मा बनाने का एक कर्म अभ्यास है ना। मेरे पास एक चश्मे की दुकान है, मेरा बेटा भी उसको शुरू करता है तो सीखेगा, है ना। मैं सवेरे पोहा बनाता हूँ तो देखते देखते मेरा बेटा सीख लेता है पोहा कैसे बनाना है, कहाँ से सामान आता है, कस्टमर को कितना समय लगता है, संडे को कितनी रश होती है, फ्राइडे को कितनी रश होती है, है ना, चाय में कितना शक्कर डालना पड़ता है, ये सब देखते देखते सीखता है। ये प्रयोग विधि है, हालांकि यहाँ थोड़ा भारी भरकम परिभाषा दिया है, वस्तुगत सत्य का उद्घाटन प्रक्रिया को प्रयोग बोला है। पर देखिए नीचे स्पष्ट किया है, प्रयोग पूर्वक ही रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का अनुभव है जिसका प्रत्यक्ष रूप ही भौतिक समृद्धि है। तो रासायनिक भौतिक वस्तुओं का अनुभव लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग। देखिए क्या अनुभव, वो ज्ञात हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, कुछ भी करेगा वो बैल नहीं है, तो रासायनिक भौतिक वस्तुओं का अनुभव करते हुए उसको क्रियान्वित करना, वो क्रियान्वयन का फल है भौतिक समृद्धि। भौतिक भैया, तो जैसे कि खाना बना रहे हैं तो उसमें भी वो जो ज्ञान मिल रहा है वो, हाँ बुद्धिपूर्वक यदि खाना बना रहे हैं हाँ। तो उसमें जो रासायनिक क्रिया है और प्याज है ना, प्याज जो है निष्प्राण कोशा है, वो कभी सप्राण कोशा था, बट वो सब सोचते बनेंगे तो खाना बिगड़ जाएगा, मतलब वो पहले सोच लेंगे फिर खाना बनाएंगे, नहीं तो निष्प्राण कोशा सोचते सोचते काला नमक डाल दिया और जीरा डाल दिया तो खाना भी बिगड़ता है। जिस चीज को कर रहे हैं उस पर ध्यान भी देना पड़ता है, बट कुल मिलाकर यहाँ पर प्रयास पूर्वक मानव ठीक प्रयास पूर्वक ही मानव की परस्परता में निहित मूल्य का निर्वाह किया जाता है, जो व्यवहार है इसका प्रत्यक्ष रूप ही सहस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान। इसलिए सेकंड नीचे लिखा है ठीक, मानव अभ्यास पूर्वक ही मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रतिष्ठित होता है जिसका प्रत्यक्ष रूप दया कृपा एवं करुणा। ये अभी अभ्यास, तो इन शब्दों को दिए हैं अलग से, है ना, प्रयास व्यवहार प्रयोग और अभ्यास और अध्ययन, चार शब्द आए, उसको हमने समझने का प्रयत्न किया यहाँ पर, या उनमें अंतर संबंध क्या है। मानव, तो देखिए ये पूरा मिलके, क्योंकि जो भी प्रयोग वो भी करेंगे वो किसी लक्ष्य के लिए ना, भाई मानवता से संपन्न होने के लिए मैं कोई प्रयत्न करूँगा, देव मानवता से संपन्न होने के लिए प्रयत्न करूँगा, फिर उस क्रिया को करते समय भी मेरा कोई उद्देश्य होगा कि वो क्रिया ठीक से हो जाए। जैसे हम खेती कर रहे हैं, खेती ठीक से हो जाए, उसकी हमको तृप्ति मिले, उसका फल मिले, उसका उपयोग हो, अनुभव दर्शन के अध्यायों का नाम नहीं है, केवल नंबरिंग है, क्योंकि सब में मिक्स्ड है, मतलब कोई सीरीज नहीं है। देखिए कैसा लिखा गया है, कोई क्रम नहीं है इसमें, जैसे अध्ययन अभ्यास को यहाँ लिख दिया, उसके पहले भाषा भास प्रतीति
तो ये अनुभूति का क्रम है ना, भास आभास प्रतीति और अनुभव। एक ये बुक जैसे लिखी गई है, पुरानी दर्शन जैसे लिखे गए, एक पजल जैसा है, उसको पढ़ते हुए हमारे मन में चित्रित हो जाता है। फोर्टी फोर तक और कुछ इसके पहले फर्स्ट पेज से लेकर 44 तक, क्योंकि ये अंतिम अध्याय है अगला वाला। 39 भैया वो अभी व्यंजना वाला हो गया। लेडीज फर्स्ट बोलिए। अभी व्यंजना वाला भैया, कल हम लोग गोष्ठी में चर्चा कर रहे थे कि मैं दीदी से पूछ रही थी कि अभिव्यंजना सिर्फ व्यापक को कहेंगे या फिर जैसे कि मन वृत्ति वृत्ति की ओर वो हो रहा है तो वृत्ति अभिव्यंजित हो रही है क्या मन के लिए, या चित्त अभिव्यंजित हो रहा है क्या वृत्ति मन के लिए, ऐसे श्रेष्ठ के लिए रख सकते हैं अभिव्यंजना को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, श्रेष्ठ के लिए रख सकते हैं तो सिर्फ व्यापक के लिए बस नहीं होगा ना? वो ठीक है, क्योंकि वहाँ आत्मा के लिए लिखा, देखिए ये बहुत मैंने बहुत कम उपयोग हुआ है। ये दर्शन में मुख्य 50 से 70-75 शब्द हैं, उसको हम जब जनवरी वाला सत्र करेंगे उसमें लूँगा मैं, उन शब्दों को छांट के पहले उनके इसको सेट करना पड़ता है, उसके बाद उसके आगे वाले शब्दों को सेट करना पड़ता है, उसके बाद उसके आगे वाले शब्दों को सेट करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ का पहले तना स्पष्ट हो, उसके बाद उसके ब्रांच स्पष्ट हो, है ना, उसके बाद उसकी पत्तियां स्पष्ट हो, उसके बाद उसके फूल स्पष्ट हो, उसके बाद उस फूल के फल स्पष्ट हो, और उसमें बैठने वाला मधुमक्खी स्पष्ट हो, ये सब अलग अलग करना पड़ेगा दर्शन में, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये पत्ती इधर, फूल इधर, मधुमक्खी इधर, तना इधर, ये सब एक खिचड़ी बनते जाता है वो। समझ में नहीं आएगा। हाँ वही वही, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभिव्यंजना श्रेष्ठ के अनुभव योग्यता को बता रहे हैं, इतना पर्याप्त है। तो फिर ज्ञानावस्था जीवावस्था के लिए भी ज्ञानावस्था अभिव्यंजित होगी? केवल जीवन में होगा ये, ओ नहीं तो पेड़ पौधे के लिए जीवावस्था अभिव्यंजित हो जाएगी, है ना, फिर चाय मेरे में अभिव्यंजित हो रही है, ऐसा हो जाएगा ना, छोटा बड़े में अभिव्यंजित हो रहा है, मैं चाय से बड़ा हूँ तो चाय मेरे में अभिव्यंजित हो जा रही है। इसलिए मैं कहा कि वो पहले स्ट्रक्चर क्लियर हो, नहीं तो हमने अभिव्यंजना का एक अर्थ ले लिया फिर हम उसको कहीं भी बिठाएंगे, केवल जीवन क्रिया में काम करेगा ये। अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन को बोले क्या अभिव्यंजना? अभिप्राय सहित व्यंजना, तो अभ्युदयार्थ व्यंजना, फिर ब्रैकेट में दिया था समझा पाना, तो जागृत मानव का ही लगता है थोड़ा। नहीं व्यंजना या व्यंजनीयता ये समझने की विधि को बता रहे हैं, अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन जीने की विधि को बता रहे हैं, परावर्तन को बता रहे हो, ठीक है। परिभाषा में दिया है कि ब्रैकेट में समझा पाना, तो समझाएंगे तो उसी से ही। वही भैया, समझा पाना में क्या है, वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसमें जो व्यंजना हो रही है उसको बता रहे हैं। समझा पाने में जो सामने वाले व्यक्ति में जो ग्रहण हो रहा है उसको बता रहे हैं, ये बात समझ में आती है। हम व्यंजना पर बात भी किए थे, व्यंजन इसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? आपने जीव अवस्था में डाल दिया, आपने प्रकाशन में डाल दिया, तो देखो समझने का विधि ये है कि वो जो शब्द है उसके अर्थ को पिन पॉइंटेडली हमको पकड़ने का, उसको लेके हम इधर उधर डालने जाएंगे उससे नहीं समझ में आएगा,
ठीक है ना। अच्छा, परिभाषाएं भी कई जगह वो बहुत पिन पॉइंटेडली करना कठिन हो जाता है। छोटे और बड़े, देखिए पहले तो व्यंजना मानव में होगा, इसको पहले फिक्स कीजिए। ठीक, व्यंजना का मतलब क्या है? जो वस्तु है, वास्तविकता है, उसका इंप्रेशन हमारे अंदर आ जाना, ये व्यंजना का सीधा मतलब है। क्या इंप्रेशन? जो समझना है वही इंप्रेशन का मतलब, उसका छाप। जैसे मैं लोहे को समझता हूँ, तो लोहे को समझने के लिए क्या करना पड़ता है? लोहे को खाना पड़ता है क्या? उसको निगल लेता हूँ क्या? क्या करूँगा? लोहे को देखूंगा, फिर उसका प्रयोग करूँगा, है ना, उसके ऊपर सोचूंगा, फिर लोहा नामक वस्तु का जो छाप है मेरे अंदर आएगी। इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई? लोहे का रूप, वो जंग पकड़ता है, इतना हार्डनेस है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर इतना है ना, उसका डक्टिलिटी इतना है, उसका मैलेबिलिटी इतना है, विकास क्रम में यहाँ पर है, मनुष्य के लिए इतना उपयोग होता है, ये सारा मिलके एक व्यंजना है। ये बात समझ में आती है? एक फिक्स हो गया। व्यंजना कब कह रहे हैं? अपने से छोटे प्रकृति को जब हम समझ रहे हैं, ठीक, अपने से बड़े वस्तु को समझ रहे हैं, तो उसके लिए और एक नाम दे दिया, उसका नाम क्या है? अभिव्यंजना। फिर उसी चीज को हम दूसरे को जब देने जाते हैं, तो हम बड़े हो गए समझाने वाले विधि में, जो सुनने वाला है वो क्या हुआ? हाँ, माइक 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 ले लीजिए, माइक माइक, आपकी आवाज पहुंचती नहीं मेरे पास। जो समझ रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं उसको, मतलब दो लोग हैं, जो कम विकसित है उसको अभिव्यंजना होगी, समझाएगा तो ठीक है। ये पुस्तकों में अवश्य आया है, परंतु अध्ययन में बहुत इसका बहुत उपयोग नहीं है आगे जाके। भैया जी, ये सत्याभास है, सत्ता में प्रकृति जो संप्रयुक्त है उसको, जैसे अभी मैं मान रहा हूँ कुछ विश्लेषण करके वृत्ति में कि बनाए कि ऐसा ही लग रहा है, तो सत्याभास किस टाइप से है? और मैं अपने आप को देखना चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ पर उसको चेक कर पा रहा हूँ। एक सहमति तो है, हो गया कि ऐसा सत्ता व्यापक है जिसमें पूरी प्रकृति है, ऐसा लग रहा है, तभी मैं जाके ये अध्ययन अभ्यास के लिए तैयार होकर बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ, ये जो सत्याभास लिखा है उसमें देखना चाह रहा हूँ, तो इसको आप बताइए तो थोड़ा कि सत्याभास है क्या। देखिए, भास के लिए परिभाषा दिया है, भाषा सहित अर्थ, भाषा सहित अर्थ, कल्पना में होना, ठीक, श्रवण भाषा मतलब सुनी हुई भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना, इतना पूरा लंबा है, ठीक। तो वो वस्तु का अर्थ हमारे में कल्पना रूप में भाषा के साथ चित्रित हो जाता है, इसका नाम है भास होना। ये एक पूरा रेंज है ना, कभी हम भास होना शुरू करते हैं, एक समय में जाके वो स्थिर होके पूरा होगा। तो यहाँ पर जब सत्याभास लिख रहे हैं, तो अस्तित्व में जितनी भी चीज़ें हैं उनका रूप या गुण या स्वभाव या धर्म या नियम या नियंत्रण या संबंध या व्यवहार या मूल्य, इनमें से कोई भी चीज़ यदि हमको होने के रूप में स्वीकार हो जाती है, स्वीकारने का मतलब क्या है, वो चित्रण में आना, चित्रित होना। एक उदाहरण देता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ कि इधर से मैं इसको, हम जनवरी में करेंगे तो और ढंग से करेंगे, क्योंकि उसकी परिभाषा सब रहेगी तो उसे और अधिक स्पष्ट होता है। तो भास होने का एक परिभाषा, मतलब एक एक उदाहरण हो सकता है कि आप मुझे पूछते हो आप कहाँ रहते हो,
तो मैं कहा पूना में रहता हूँ, बोला पूना के बारे में कुछ वर्णन दो, तो मैं बोलता हमारा शहर है ऐसा है, बहुत सारे पेड़ हैं, बीच बीच में पहाड़ है, हमारा घर एक पहाड़ के नीचे है ना, वो अंतिम स्ट्रीट है पहाड़ की ओर जाती है, दोनों की तरफ नारियल का पेड़ है, फिर वहाँ से अंतिम राइट लेने से लेफ्ट को मेरा घर आता है, वो 2 मंजिले का है ना, सामने लॉन है, उसमें फूल के झाड़ लगे हैं ना, और एक सफ़ेद कुत्ता सामने हमेशा सोया रहता है, और मैं इसको रोज सवेरे उठ के भगाता हूँ। इतना मैंने आपको पूरा कहानी बताया, इससे आप में क्या हुआ है ना, ये आप में चित्रित हुआ। क्या चित्रित हुआ? मैंने तो आपको भाषा दिया, ठीक, आपके बेटे को भाषा दूंगा तो आपके अंदर वो होगी, उसके अंदर होगी ये बात, उसके अंदर ये चीज खुलेगी क्या? एक छोटे बच्चे को यदि बोलेंगे तो नहीं कर पाएगा है ना, कुछ कुछ सुनेगा, कुछ कुछ नहीं सुन पाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जबकि शब्द उसके कान में भी पड़ रहे हैं। एक छठी कक्षा के बच्चा को यदि हम ये बोल दें और वो रट लेगा तो रट के बोल सकता है, बोल बेटा मेरा घर किधर है, टेक्स्ट बुक में लिखा है, 5 बार उससे लिखवा दें, 5 बार बोल दिया तो क्या करेगा, वो रट के बोल देगा। बट उसको भास हुआ क्या, कुछ दिखा क्या उसको? नहीं, वो कोरा स्मरण हो गया। ये बात समझ में आती है, रटना जो है कोरा स्मरण हो गया, ब्लैंक मेमोरी, ठीक। और एक है कि उस भाषा के अर्थ में हमारे अंदर वो वस्तु चित्रित हो पा रही है। तो चित्रित होने का मतलब क्या है, भाषा के अर्थ में चित्रण होना, उस वस्तु के स्वरूप में मेरे अंदर अर्थ हो रहा है, वो वस्तु मेरे अंदर नहीं आ रहा है। जैसे मुझे परमाणु को समझना है, परमाणु मेरे अंदर आ जाएगी क्या? नहीं। अब परमाणु को समझने के लिए विश्व में हजारों डिपार्टमेंट है ना, हजारों संख्या में PhD उस पर कार्यरत है एक परमाणु समझने के लिए, ठीक। तो उसके जितने नियम हैं, जितनी चीजें हैं, उसको भाषा के रूप में यदि हमारे अंदर चित्रित हो पाते तो उसको हम बोलेंगे सत्याभास, ठीक, या न्यायाभास, न्यायभास, या नियम भास, या रूप भास है ना, गुण भास। सत्य को खोलेंगे तो क्या आएगा, इकाई व्यापक, तो व्यापक वस्तु है ये भासता है। जैसे इस दर्शन के संपर्क में आने के पहले हम व्यापक वस्तु के बारे में कुछ सोचते नहीं थे, स्पेस के बारे में सोचते थे, इंटरस्टेलर स्पेस मतलब धरती और चांद के बीच में है ना, और उसके पार। ये दर्शन बोल रहा है नहीं, आपके आमने सामने की वस्तु है, ये खाली स्थली है, तो हमारा ध्यान उस वस्तु के प्रति जाता है उस भाषा के आधार पर। उसके पहले वही वस्तु होता है, उसी वस्तु हम में हम रहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए रहते हैं, है ना। ध्यान देने से क्या होता है, उस भाषा के अर्थ में उस वस्तु का या वास्तविकता के होना हमारे में चित्रित हो जाता है। ये कब होगा, यदि मन में वो ग्रहणशीलता है, उस समय आपके मन में यदि ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे नहीं समझ में आना है, मैं यहाँ क्यों क्या कर रहा हूँ, ये श्री राम ज़्यादा बोलता है ना, इसकी मैं बात क्यों सुनूँ, कल उसने मुझे ऐसा बोल दिया था इसीलिए मुझे आदमी पसंद नहीं है, तो कुछ भास नहीं होगा, होगा कुछ, कुछ नहीं होगा। तो मन को उसमें टिकना पड़ता है, तो मन और वृत्ति दोनों उसको समझने के लिए नियोजित होते हैं। तो मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करता है तो शब्द जो है अर्थ में हमारे जीवन में मतलब मेधा सहित वो चित्रित होता है, नहीं तो चित्रित नहीं होता है। इसका नाम है श्रवण। तो केवल कान से सुनना श्रवण नहीं है, है ना। बाबा जी ने एक बहुत अच्छी एक बार बहुत बढ़िया ढंग से उसको भाषा दिया, कान में जो सुनाई देता है उसके अर्थ में श्रवण, कान से जो सुनाई देता है उसके अर्थ में श्रवण। इसीलिए क्या होता है, हम एक बार इस पुस्तक को पढ़ते हैं हमारा ध्यान 50 लाइन में जाता है, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं आगे पीछे के और 10-10 लाइन में जाता है, तीसरी बार पढ़ते हैं बीच के किसी वाक्य में चले जाता है, चौथी बार पढ़ते हैं और किसी शब्द में चले, वो धीरे धीरे मिल के एक होल होता है ना। ये श्रवण होने की प्रक्रिया है। ये किस विधि से होता है, सत्यभास, ठीक। जिसे अध्ययन कर रहे हैं ये 14 ब्रह्ममय का,
तो मतलब अभी तो शुरुआत है, तो जैसे हमारे आचरण में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, हम सामने वाले को मतलब अच्छे से नहीं बातचीतों में नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये हमारे समझ में नहीं आएगा? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम ठीक से बात नहीं कर पा रहे इसीलिए समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे यही हो गया, इनसे मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ तो ये हमारे आचरण में नहीं आएगा? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि जो हम समझ रहे हैं आचरण में आएगा कि नहीं? हाँ, ये पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब मेरे व्यवहार में जैसे नहीं है सामने वाले के लिए। जितना देखिए, समझने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 44 में, पूरा समझना बराबर अनुभव, उसके पहले प्रतीति, उसके पहले आभास, उसके पहले भास, उसके पहले शब्द, है ना? शब्द भास होता है, अर्थ भास नहीं होता है। यदि हमारे पास केवल शब्द है तो आचरण में नहीं आएगा, क्योंकि केवल शब्द है, स्थिति में केवल शब्द है, तो मेरे में क्या होगी? केवल मेमोरी। तो क्या उसका प्रमाण क्या मिलेगा? पूछने से मैं बता दूंगा। रट्टा मार लिया। हाँ, रट्टा मारना, पूछने से मैं बता दूंगा। बेटा, अनुभव दर्शन में कितने पेज हैं? 49 पेजेस है ताऊ जी। अच्छा, अध्याय नंबर 9 का हेडिंग बता, व्यापक में संपर्क प्रकृति, बोलचाल की भाषा भी आ जाती है, तो भाषा में उसका कुछ भाग चित्रित। आदमी बिल्कुल ही कंप्यूटर जैसा नहीं होता है, वो एक कंप्यूटर बन गया, एक रिकॉर्डर बन गया। जैसे आपके फ़ोन में कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई, उसको वो समझता है क्या? नहीं, जब चाहिए वापस बोल देता है। ठीक, यदि कुछ चीज़ भास हुई तो उसके अनुरूप हमारे जीने में आंशिकता में कुछ आएगा। क्या भास हुआ? अब बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यापक है, स्थिति सत्य है, अभिव्यंजना है, व्यंजन त्या है, व्यंजनोत्पादीयता है, श्रम गति परिणाम है, 50,000 चीज़ें आ गई। इसमें से बेसिकली क्या हो रहा है? नहीं, मुझे अच्छा बनना है ना, एक कोई एक मोटी चीज़ आप पे बनेगी, ठीक, वो अच्छे का स्वरूप भले ही स्पष्ट नहीं हो, तो सामने अगले बार कोई आदमी आता है तो फिर हम अच्छा बनेंगे, हमारे अनुसार जो भी अच्छा है। भाई, आपको कुछ चाहिए क्या? मैंने जोर से तेरे बोल दिया, पानी गिर रहा है आपको, मैं वो दे दूं क्या, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। ये क्या हो गया है? सहकारिता, हम कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, वही, क्योंकि वो आधा अधूरा होगा। आपको पूर्णता चाहिए तो प्रतीति तक जाना पड़ेगा, अभी कच्चे में कच्चा ही होगा, अंदर जो मसाला है वही बाहर निकलेगा ना। मसाला समझ तथा स्वीकृति के रूप में चाहिए, स्थिति, मसाला का मतलब स्थिति, मसाला शब्द नहीं उपयोग हुआ है दर्शन में, ऐसे उसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो स्थिति में वो स्पष्टता चाहिए, ठीक, फिर हम देखेंगे कि स्थिति में स्पष्ट हो गया, पर हमारे में ही कई ऐसे प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारी स्वीकृति के ही विपरीत हैं, है ना, तो उसको नियंत्रित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया कि आज से मैं लोगों का अपमान नहीं करूँगा, ठीक, तो मैं रोज़ सोचता हूँ अपमान नहीं करूँगा, क्योंकि संबंध है, मूल्य है, मूल्यांकन है, ये फलाना संबंध है ना, और मैं जीवन रूप में हूँ, वो भी जीवन रूप में है ना, उसी से वो सुखी होगा, उसी से मैं रोज़ सवेरे आधा घंटा, ठीक, हनुमान चालीसा जैसे आधा घंटा उसको सोचता हूँ। सोचने के बाद सामने व्यक्ति आता है तो मेरी सोची हुई चीज़ मुझे याद आती है, तो वैसे मैं करता हूँ, सम्मानपूर्वक करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद बात करते करते वो कुछ उटपटांग बोल देता है, तो मैंने जो सोचा था, बोला था, वो भूल जाता हूँ, बोलता, अरे बेवकूफ़, अभी इतनी देर से तो तुमको बात कर रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आता है, तो पहले जो बेवकूफ़ 30 मिनट में निकला था, अभी 32वें मिनट में निकलेगा, है ना। इसका नाम है धीरता का शुरुआत, है ना, कुछ तो धीर हुए भाई, 30 से लेकर 32 मिनट तक पहुँची, इतना तो लाभ हुआ, है ना। उसके बाद वो 1 घंटे बाद होगा, फिर 2 घंटे में होगा, फिर 3 महीने में एक बार बेवकूफ़ सोचेंगे, फिर 6 महीने में बेवकूफ़ सोचेंगे, फिर बहुत ही कुछ दिमाग ख़राब है और सामने फिर आ गया तो फिर याद आ जाएगा कि बेवकूफ़ फिर आ गया। फिर धीरे 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 वो जो आदमी है बेवकूफ़ की जगह एक आदमी के रूप में दिखेगा, एक मानव के रूप में दिखेगा, है ना, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता बनेगी, ठीक है ना, एक जागृति क्रम में एक जगह पर दिखेगा, एक स्थान में दिखेगा, फिर एक संबंध के रूप में दिखेगा, फिर अंतिम करते 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 विश्वास सम्मान स्नेह स्थिर हो जाएगा। इसका नाम है अवधारणा, उसके पहले नहीं होता है।
तो अवधारणा का लक्षण क्या है कि इस प्रकार की उटपटांग चीज़ें हमारे में ना हो। वो कब होगा? प्रतीति के बहुत मैच्योर स्टेज में जाके होगा, उसको हम अध्ययन विधि में और करेंगे। देखिए 5-6 दिन में बहुत अध्ययन विधि भी अपने में मतलब टाइम लगता है उसको करने में, 6-7 दिन है कुछ जनवरी में। तो मुझ में कोई भी तकलीफ कभी भी किसी भी हालत में नहीं चाहिए, ये स्थिति चाहिए तो बोध चाहिए या अनुभव चाहिए, मतलब उसके लायक मेरी समझ या मेरी दृढ़ता नहीं बनी है। अच्छा, मैं उसको बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो बेवकूफ़ है, मैं चाहता हूँ कि वो बेवकूफ़ रहे, मेरे अंदर वो चाहता है। तो मेरे अंदर से या मेरे द्वारा कुछ भी व्यक्त हो रहा है, वही चीज़ें व्यक्त हो रही है जिसको मैंने पाल के रखा है, जो मेरी स्वीकृति में है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हम पहले से जैसे जिए रहे सोचे समझे स्वीकारे, ये एक पैकेट हो जाएगा, और दर्शन का भाषा दूसरा पैकेट हो जाएगा, वो भाषाकार तीसरा पैकेट हो जाएगा, है ना। वो अर्थ के स्वरूप में जीने के लिए प्रवृत्ति हमारे में बनती है, चौथा पैकेट हो जाएगा। ये 4 पैकेट को लेकर हम चलेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, भाषा हवे में ज़्यादा हो जा रहा है क्या, फिर वो बोलेंगे आपने ऐसा ऐसा किया, फिर समझ में नहीं आया, बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए क्या क्रम होगा, हमारे में पूर्व प्रवृत्ति या स्वीकृतियाँ, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारी कोई समझ या मान्यता, हमारा कोई व्यवहार या द्वेष, हमारी आदतें, है ना, हमारा अभ्यास, कुछ भी, और हमारा जागृति क्रम में स्थिति, ये ठीक, ये पुराना है। तो नया में क्या आया, पहले भाषा, भाषा के साथ उसका अर्थ, तो श्रवण, अर्थ का समझ या स्वीकृति, नया प्रवृत्ति, पुराने का मूल्यांकन, ठीक। तो ये ऐसा जाएगा भाषा, कुछ चीज़ें शब्द के रूप में रहेंगी, कुछ अर्थ में आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नया प्रवृत्ति बनेगा, फिर पुराने का मूल्यांकन होगा, ठीक है ना। ये होते होते किस क्रम से आगे बढ़ेगा, भास, इसमें भी भास हुआ, इसमें भी भास होगा, उसके अनुसार इसका आंशिक मूल्यांकन होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। उसके बाद क्या आएगा, आभास, उसके बाद क्या होगा, करते करते प्रतीति, प्रतीति का ही स्थिरता का बिंदु का नाम है अवधारणा। उसके बाद क्या होगा, बोध, उसके बाद क्या होगा, अनुभव। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सत्यानाश होना अनुभव में ही होगा, सत्य का नाश नहीं, प्रॉब्लम का सत्यानाश। तो ये बोलने मत बता देना कि मैं बोला कि अनुभव में सत्यानाश हो जाता है, है ना, वो क्योंकि आप भाषा सुन के उसका कुछ अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा अभी क्या चर्चा हो रहा था, अभिव्यंजना, अभी वो फर्स्ट स्टेज में है भाषा, वो अर्थ ही नहीं पकड़ में आ रहा है, व्यंजना, है ना, प्रयोग का नाम क्या, अभ्यास का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये भाषा से अर्थ में जाने की प्रक्रिया। इसीलिए ये युवक से निवेदन किया कि वो भाषा को स्थिर करके उसके अर्थ को पकड़ो, उस अर्थ को पकड़ने के लिए और एक यदि भाषा लाओगे तो फर्स्ट में ही घूमते रहेंगे, ये समझ में आता है। भाषा को अर्थ के रूप में कन्वर्जन प्रोसेस,
सामान्य रूप से हमको इसका अभ्यास नहीं है, हम इसको नहीं करते क्योंकि वो स्कूल में वो सिस्टम ही नहीं है, है ना। कौन से सब्जेक्ट में करना पड़ता है? नेचुरल साइंसेस में करना पड़ता है, फिजिक्स आपको क्लियर करना है। यार रट के तो नहीं कर सकते, फिजिक्स का प्रॉपर्टीज आप रट सकते हैं परंतु प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, है ना। केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा, उसके अर्थ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम जनवरी में जो अध्ययन विधि पर बात करेंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, इसको थोड़ा भिन्न विधि से लिखा उसमें और थोड़ा भिन्न विधि से देखेंगे। है चीज वही, ये मूल मंत्र इतना ही है। जैसे भैया मतलब मैं इसके साथ अभी अच्छे से उदाहरण के लिए बता रही हूँ, इसके साथ मेरा अभी मतलब सामने देखती हूँ तो अच्छा व्यवहार करती हूँ, फिर इसके ना रहने पे मतलब मैं फिर इसी की बुराई करती हूँ, तो वो चीज के मतलब सही है कि गलत? वो आपको ही बोलना पड़ेगा, मुझे क्या पता। आपके पुराने अभ्यास से, है ना, तो मतलब यदि सुख नहीं आपके अंदर, ये क्या है, आपका एक अभ्यास है। ठीक, हर मानव का एक अभ्यास है, तो ये है ना। अभी कुछ लोगों का अभ्यास है कि वो गांव से आता है, कहाँ से आता है, गांव से आता है। गांव में क्या करते हैं, तो दो आदमी रहता है, जैसे चलेगा, अरे यार बेकार, पता नहीं कहाँ से आ गया ना, एक घंटा पका के गया, उसके सामने बैठ के चाय पी रहा है, समोसा पी रहा है, पॉलिटिक्स बात कर रहा है, जैसे गया उसके बारे में बुराई। तो खासकर भारत में ये एक प्रथा है, कई गांवों में, कुछ कम्युनिटीज में, कुछ कुनवों में बुराई करना, गप मारना या तिकड़म करना, पॉलिटिक्स करना, ये एक सभ्यता में आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो भी अभी की स्थिति है, इसमें हमारा अपना जागृति क्रम का स्थिति है ना, ये पहले से हमारे पुराने शरीर यात्रा से आ रहा है। ठीक, ये सारी जो है ये हमारा जाति माना हुआ, धर्म, कुनवा, गांव, घर, है ना, और किसी संबंध विशेष से भी ले लेते हैं। उदाहरण के रूप से आप एक घर में चार बच्चे हैं, दो बच्चा अपना पिताजी को देखता है, एक माँ को देखता है, एक मामा को देखता है, वो उससे तदा करो के वो सारा प्रॉपर्टीज वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। कौन से संबंध पे आप तदाकार हुए? मैं बचपन से हमारे नाना जी पर तदाकार हो गया, तो मेरे अंदर एक अभ्यास आ गई। क्या अभ्यास आ गई? चार आदमी दिखा, उसको खाना खिलाना है, मैं उदारता उदारता नहीं सोचा और समझाऊँ, ये धीरे धीरे ये स्वीकृति मेरे अंदर आ गई। अब मैं हमारे पिताजी पर यदि तदाकार हूँ, पिताजी को कोई आदमी को खिलाना ही नहीं है, कोई आता है तो रुकते हैं कि भाई कैसे, एक मैं अपने पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। किसी दिन मेरे पिताजी को मिले तो ये मत सोचना कि ये कृपण आदमी है। तो यदि पिताजी का ऐसा स्वभाव है कि भाई, ये स्वभाव गुण है कि घर का संपत्ति किसी को खाना नहीं खिलाना, स्वार्थी, तो हम हमारे जागृति क्रम की स्थिति तथा किसके साथ हम तदाकार हो रहे हैं, कौन से संबंध में तदाकार हो रहे हैं, है ना। तदाकार एक पॉजिटिव शब्द है, उसके अनुरूप हम उन गुणों को अपने में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब आपके पास एक नई वो आ गई, वो संबंध है, मूल्य है, स्नेह है, तो इसको हमने पढ़ लिया, कुछ अर्थ श्रवण में आया, कुछ आंशिक भाग स्वीकृति में आई, उसकी आंशिकता नई नया प्रवृत्ति बनेगा। ये समझ में आता है, इसका आंशिकता, इसका भी आंशिकता, इसका आंशिकता नया प्रवृत्ति में आता है। वो पूरा भाषा तो नहीं आएगा आचरण में, है ना। ठीक, तो अब क्या होगा कि मैं इसके आधार पर इसको करूंगा, तो यदि हमारी, तो इसको कैसे जांचेंगे, पुराने के मूल्यांकन का आधार क्या होगा? पुराने के मूल्यांकन का आधार होगा नियम है कि न्याय है कि धर्म है कि सत्य है, या क्या इससे परस्पर सुख होगा, है ना,
शांति होगी, संतोष होगा, कम से कम, है ना। संतोष तो आनंद छोड़ देते हैं, क्या मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी क्या ये सुख शांति संतोषदायी है? मुझे तो मजा आ रहा है, वो गया उसके बारे में मैं बकर पे बेकार आदमी है चले गए, उसमें रस आता है ना। मुझे कब पता चला, मैं क्या पुणे में बड़ा हुआ, वहाँ पर एक वो क्रिश्चियन स्कूल में मैं गया और हमारे साथ वाले सारे जाति धर्म वाले, हमको कोई होश ही नहीं था जाति धर्म का स्कूल जाते समय। फिर नौकरी वोकरी छोड़ के जब पुणे में हम रहे और महाराष्ट्र में रहे, फिर ये सब छोड़ के जब ट्रैवल किया, ठीक, गांव में गया, यूपी गया, इधर गया, बोलो अरे बाप रे, लोग तो एक दूसरे के बारे में इतना बुरा, वो टाइम पास है, शाम को बैठ के चाय पियो और जो नहीं है उसके बारे में वो करो, जैसे वो जाता है उसकी बुराई करो, फिर ना एक टाइम पास है, शाम में एक रस व्यवहार है, वो एक टाइम पास है, पिक्चर देखने जैसा, तो उदाहरण है। तो बुराई करना, इस प्रकार की चीज़ें, फिर ये नियम में, न्याय में, धर्म में, सत्य में, या परस्पर मतलब सभी मानवों के लिए सुख शांति संतोषदायी है या नहीं है, ये उसके मूल्यांकन का आधार बनेगा। ठीक, इस मूल्यांकन में यदि मैं ये पाता हूँ कि मेरा जो पुराना व्यवहार है या आदत है ना, ये मेरे नियम न्याय धर्म को जो मैंने सोचा है ना, क्योंकि सोचना कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। देखिए, हमने भाषा सुना दर्शन का नया, ये शब्द का आंशिकता अर्थ में आएगा, सारा एक साथ नहीं आएगा, उन अर्थों को जोड़ के हम कुछ बनाएंगे, यहाँ पर सोचना बनेगा समझ या स्वीकृति के रूप में। उसके पहले सोचना बनता नहीं, उसके पहले स्ट्रगल इसी में रहता है कि भाषा अर्थ में परिवर्तित हो जाए, फिर थोड़ी देर के बाद सामने हमारी दूसरी वाली दुनिया सामने आ जाती है, तो फिर हम यहाँ तक आते ही नहीं, सोचने तक आते ही नहीं। विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है, एक लाइन लिखा है इसी बुक में कहीं, हाँ था क्या है, अभ्यास दर्शन में, विश्लेषित स्वीकृत होना ही अध्ययन है, यहाँ से अध्ययन शुरू है। ये सब अध्ययन के लिए प्रयास है, मैं पढ़ के बोल देता हूँ, वो सब अध्ययन के लिए प्रयास। तो मेरे अंदर ये स्वीकृतियाँ आ गई आंशिकता में, क्योंकि इसकी आंशिकता, शब्द का आंशिकता अर्थ में आएगा, अर्थ का आंशिकता स्वीकृति में आएगा, उस स्वीकृति का आंशिकता मेरे में नए प्रवृत्ति के रूप में बनेगी। ठीक है ना, मैं कम से कम पहले गाली गलौज करता हूँ, वो बन गया। ठीक, दूसरों को प्लेट से निकाल के खाना ले लेता था, कोई नहीं देख रहा, जलेबी उठा लिया वहाँ से, उसको बन किया। ठीक, चार आदमी आए उसके बारे में बुराई करो, वो चले गए इसके बारे में बुराई करो, मतलब ये मेरे में एक वृत्ति है, यहाँ पर लिखा है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ने ये लिखा प्रवृत्ति, लोगों में कमी देखना एक प्रवृत्ति है, ये एक शरीर यात्रा का हो सकता है, अनेक शरीर यात्रा का हो सकता है, या मेरे पिताजी करते थे इसलिए मैंने उनसे ले ली, या हम दोस्त लोग कॉलेज में करते थे वो मेरे अंदर छाप आ गया, है ना, या हमारे धर्म में, अब धर्म में सारे लोग बुराई करते हैं, ऐसे तो नहीं है, पर हमारे खून में ऐसे ही है, टाइम पास है हमारा, दुनिया के बारे में बुराई करना है, बेकार है, इसने ऐसा कर दिया, इसमें इसका ये वो आ जाता है, हमको पता ही नहीं। तो हमारे अंदर बहुत सारी गुच्छे हैं, आदतों के रूप में, अभ्यास के रूप में, व्यवहार या द्वेष के रूप में, मान्यता के रूप में। ये मान्यता वाला कुछ तो शब्द और अर्थ से जाएगा, है ना, पहले हमको लगता था कि धरती जो है शेषनाग पर घूमता है, अब हमको पता चल गया नहीं व्यापक वस्तु में। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में एक शिविर ले रहा था 2012 में, उसमें एक लड़की थी MSc स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई, है ना, 10-12-15 लोग थे। तो मैं आखिरी दिन पहुंचा तो मैंने पूछा धरती कहाँ पर है, सो साइलेंस था। थोड़ी देर बाद उसका हार्ट टूटा, उसने कहा शेषनाग पर है ना, शिविर में ही। तो फिर मैंने बोला उसको कि देखो, मान लेते हैं शेषनाग पर है और ये नाग है ना, तो मैंने पूछा कि धरती घूमती है, बोला हाँ घूमती है, बोला तो धरती जब घूमती है शेषनाग भी उसके साथ घूमता है कि वहीं रहता है, तो बोली कि वहीं रहता है ना, क्योंकि उसको लगा कि वो, मैंने कहा देखो शेषनाग भी यदि घूमता है तो चक्कर आएगा, उसको चक्कर आएगा तो गिर जाएगा, बोला बात तो सही है, मैं बोला वहीं रहेगा तो दूसरा प्रॉब्लम, बोली क्या, बोला उसका सर जो है घिसते जाएगा, थोड़ी देर में मर जाएगा, है वहाँ पर खड़ा है शेषनाग, धरती आई सुर मार के गई, सुर मार के गई, बोला बात तो सही है ना। तो ये जो ये क्या है भ्रम, ये गलत मान्यता वगैरह कुछ नहीं है, वो माने धरती शेषनाग पर है, धरती मेंढक पर है, धरती घोड़े पर है, इससे व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भ्रम है।
तो भ्रम का टूटना, समझ या मान्यता, ये भ्रम है। ठीक, तो ऐसे अनेकों प्रकार के भ्रम हम अस्तित्व के प्रति, मानव के प्रति बना के रखें, जो चीजों को हम अंदर बना के रखें लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं आता है। फलाना देश बेकार है, आप कभी जाने नहीं वाले वो देश को, वो व्यवहार में आएगा ही नहीं, नहीं फलाने देश के लोग बेकार है मेरे अंदर बैठा है, आप कभी नहीं जाने वाले वहां। फलाने जाति के लोग बेकार है, फलाने धर्म के लोग बेकार, वो मुर्गा खाता है, ये खाता है, वो खाता है, ये करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें कैसे मूल्यांकित होगी, ये जो नया नया प्रवृत्ति आएगा पुराने का मूल्यांकन, तो मेरे अंदर जितनी चीजें हैं वो परस्पर यदि सुख शांति संतोषदायक है तो रखने लायक है, नहीं तो हम उसको एक अलग एक बकेट एक डब्बा बना देंगे कि ये चीजें अनावश्यक है मेरी, इसको मैं एक डब्बे में डाल दिया, वो फिर उभरता है, फिर इसका मैं स्मरण करूंगा फिर डाल दिया, फिर उभरता फिर डाल दूंगा, ये क्रम चलेगा। ये हमारे साथ क्यों है, क्योंकि एक प्रौढ़ अवस्था या युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था में आके हम इसके अध्ययन में आते हैं, है ना। यदि बचपन से ही एक बच्चे को सही सूचना, सही आदत, सही अभ्यास, सही व्यवहार, सही चीज़ें हैं, तो ये प्रॉब्लम इतनी डेंस नहीं होगी, है ना, ये शॉर्टकट बन जाएगा। उसी का नाम है मानवीय व्यवस्था, है ना, वो किसी दिन बनेगा, जिस दिन बनेगा बनेगा। ठीक, उसके लिए जितनी भी आंशिकता में प्रयास है आज के दिन हम करेंगे, बट ये बेसिकली अध्ययन है। अभी जो पूरा इसी में अध्ययन का स्टेज, ये श्रवण हो गया, ये मनन हो गया, इसका नाम निधिध्यासन है, ये निधिध्यासन का स्थिरता का बिंदु, इसका नाम अवधारणा है, यही करते करते आएगा, ये बोध है, ये अनुभव, अनुभव में असत्य चीज़ों का सर्वथा नाश होना, सत्यानाश, असत्यानाश, सत्य को समझने से क्या होगा, असत्यानाश। ठीक है, ये सब अज्ञान बस हो रहा है, ये सब अज्ञान बस हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा अभी जैसे उदाहरण के लिए ले रही हूँ कि अभी मैं 3 महीना हो गया मुझे, हाँ, फिर इसके बाद भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो नहीं, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब उसके वो जो भी समस्या है आपकी उसके मूल में कोई मान्यता है, उसको हमने ठीक से मैंने आकलित नहीं कर किया है। ऐसे कर रहे हैं मतलब हमारे अंदर वो वृत्ति है, मैं जो भी करता हूँ अपने स्वीकृति के साथ ही करता हूँ ना, मतलब मेरे ही अंदर एक इच्छा वन है जो कह रहा है कि ठीक से व्यवहार करो, या एक भाषा है या एक कल्पना है, और मेरे ही अंदर इच्छा टू है जो झगड़ा करना चाहता है, और ये मेरे ही कंट्रोल में नहीं है, इसी का नाम है तो स्वतंत्रता, मैं स्वयं में ही तंत्रित हो जाऊं, अंततः वो स्वतंत्रता कहाँ मिलेगा, बोध में जाके मिलेगा। अभी धीरे धीरे हम अपने है ना लगेज को इकट्ठा करके कपड़ा इकट्ठा करने के उसमें है, तो 3 महीने 4 महीने में कुछ चीज़ें जाएगी, कुछ चीज़ों हो सकता है 200 वर्ष रहे, जो गहरी मान्यताएं हैं या गहरे अभ्यास हैं, गहरे आसक्तियां हैं, इसके डिटेल में जाएंगे ना, ये जो ये पूरा हम जनवरी में करेंगे तो उसको खोलेंगे, ये जो लेफ्ट में जो है पूरी चीज़ खुलेगी, ये जितने स्टेप्स मैंने लिखे एक एक स्टेज खुलेगी, हाँ हाँ ये सारा खुलेगा, गंदगी का एक डब्बा है उसको एक एक करके खोलेंगे, वो जो लिखा है दर्शन में, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का भला करना चाहिए, आपने सोचा है पहले से तो एक अच्छी मान्यता है, उसको बना के रखना चाहिए, लोग उसमें सारा जो अच्छाई परंपरा में है यदि हमारे अंदर अभ्यास के रूप में है वो हमारे लिए सुसंस्कार हो गया, है ना। ये जो लेफ्ट है ये पूरा गलत है ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, पुराना वाला जो लेफ्ट में लिखा है ब्लैक में उसमें सु भी है कु भी है, ठीक है ना, सुसंस्कार के एक श्रृंखला है, कुसंस्कार के एक श्रृंखला है, कुछ सुसंस्कार धर्म से आ रहा है, कुछ सुसंस्कार जाति से आ रहा है, ये जाति भारत का एक स्पेशलिटी है, बाहर नहीं है, धर्म हर जगह है, भारत में स्पेशलिटी है जाति, है ना, अभी भी हमारा इलेक्शन उसी पर झगड़ा होता है, शादी भी उसी के बेसिस पर होती है, तो कुछ संस्कृति से आ रहा है, कुछ आधुनिक संस्कृति से आ रहा है, कुछ किसी मैगजीन से आ रहा है, कुछ कोई अच्छा बुक आपने पढ़ लिया उससे आ रहा है, कुछ बुरे बुक से आ गया, सारा है ना सेट, सारा गलत है ऐसा नहीं है, हाँ जो भी अच्छा है वो जो सच्चाई है पूर्णता है नियम है न्याय है धर्म उसकी आंशिकता में है। जैसे उदार
करना है। मैंने अभी बताया भाई, हमारे घर में हमारे नाना जी स्टेशन मास्टर थे, तो क्या करते थे, कोई यदि यात्री दिखा, यदि नॉर्थ इंडिया को कोई यात्री साउथ जा रहा है ना, कन्याकुमारी के रास्ते में पड़ता है वो स्टेशन हमारा गाँव, और शाम हो गई वो स्टेशन में उतर गया, उसको घर ले आते थे। तो घर में फ़ोन वोन तो नहीं था उन दिनों, और चूल्हा नहीं तो केरोसिन का स्टोव था, मेरी माँ इकलौती और नानी थी हमारी, तो सात आदमी आ गए, इनको खाना खिलाना है, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। वो नानी बैठ के बनाती थी। अच्छा, ये नॉर्थ से आ गया उसके लिए रोटी बनाओ, वहाँ रोटी बनाना बहुत ही कठिन दुर्लभ, चावल ईजी है, रख दे हो गया, तो बना के खिलाती थी। अभी इसको क्या कहेंगे, उधारता है क्या, नहीं, क्यों भाई, वो हिंदुओं को ही लाएंगे, है ना, और उन्हीं लोगों को जाएंगे जो तीर्थ यात्रा में है, जो घूमने हैं उसको नहीं लाएंगे। तो उदारता है, लेकिन कंडीशनल उदारता है, ठीक है। तो देश काल में जो अभी हमारी जो मान्यताएं हैं, वो देश काल सीमित है। पुरानी मान्यता है, अच्छा बुरा, पुराना अच्छा जो मान्यता है, पुराना जो सुसंस्कार है, वो देश काल तथा स्वीकृति के स्तर में सीमित है। यहाँ पर सार्वभौमिक, सार्वकालिक, है ना, और स्थिरता का प्रयत्न है इधर से उधर। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सार्वभौम सार्वकालिक है, है ना, उदारता सार्वभौम सार्वकालिक है, उदारता की कोई निरंतरता है, उसको हम समझना चाहते हैं, ठीक है। भैया, कोई मान्यता जानने के लिए 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं? मान्यता जानने के लिए 10 साल 20 साल भी लग सकते हैं? क्या लगता है? आप बोले कि गहरी मान्यताओं को जाने के लिए 10 साल और 20 साल भी लगते हैं करके, क्या पता 20 भी लग सकता है, हो सकता है पूरी शरीर यात्रा निकल जाए, हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, आपके ऊपर है, मान्यता आपकी है ना, मैं कैसा बोलूँ, आपको तय करना है कि 2 मिनट में निकालना है कि 20 साल पाल के रखना है, कि उसके तरफ देखना ही नहीं है, ये भी हमारा निर्णय है। हमारी एक मान्यता, हम वो देखना ही नहीं चाहते हैं, या तो डर लगता है या बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता हूँ, या पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है, बेहोशी, वो उस वाले पॉइंट में आएगा। जागृति क्रम में हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार हमको अपने बारे में चीज़ें दिखती है, नहीं तो नहीं दिखती है। कुछ आस्वादन दिखेगा, कुछ विचार दिखेगा, कुछ चित्रण दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, एक, कुछ मुझे पता है मैं वहाँ देखना नहीं चाहता हूँ, दो, तीसरा कुछ पता है मैं बना के रखना चाहता हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है, तीन, ये तीन स्टेज वो बनेगा। मज़ा आने वाला चीज़ तब तक ठीक है जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, है ना। एक आदमी को गुटखा खाना अच्छा लगता है, मुँह में गुटखा डालता है, अध्ययन करता है, है ना, जो भी अनुभव दर्शन 5 बार पढ़ लिया, अब उसे लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। यदि बच्चों के सामने नहीं खा रहा और बाहर नहीं खा रहा है, उसी का शरीर बेकार हो रहा है, ठीक है ना। या हमको रोज खाने के बाद एक मीठा चाहिए, इसमें लिख दिया जड़ के आस्वादन अपेक्षा से मुक्ति ही अनुभव, हम संकट में गए, अरे तो मीठा खा रहा था ये बताता जड़ के आस्वादन से मुक्ति भी अनुभव नहीं होगा, ठीक है। उसको पाल के रखेंगे, कब तक पाल के रखेंगे भैया, बोध तक पाल के रखो, बहुत टाइम है। आस्वादन अपेक्षा से मुक्ति बोध और अनुभव के बीच में जाना है, तो तब तक के लिए शांत हमला रिलैक्स हो गया यार, बोध तक गुलाब जामुन खा सकता हूँ, उसके बाद सोच लूँगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, एक आदमी का जीवन तो बहुत लंबा है, वो है ना। जैसे मैं जब इधर पहली बार आया था तो हिंदी भाषी लोगों के साथ उठना बैठना मुझे अभ्यास में ही नहीं था, मेरी हमारे वाइफ को भी नहीं था, हम लोग केवल इंग्लिश में बोलते थे, ठीक। तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा यहाँ के लोगों को स्वीकारने में। फिर मेरी जो पूरी परवरिश हुई बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ हुई। यहाँ आया तो एक गाँव का आदमी है, एक पढ़ा है, एक अनपढ़ा है, जो 1.5 वर्ष में यात्रा भी किया था यहाँ आने के पहले, तो भारत में घूमा, तो किसानों के बीच रहा, ट्राइबल्स के बीच रहा, तो मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने के लिए बाध्य होना पड़ा मुझे। मैं खुद ही गया जॉब छोड़ के, 15 स्टेट घूमा मैं 15 महीनों में, 1.5 वर्ष में। अलग अलग जाति धर्म सारे लोगों के बीच बैठा उठा खाया,
ठीक है ना। और मैं इसी शरीरात्रा में वो टाइम देखा हूँ कि हम लोग जिस स्ट्रीट में रहते थे उसमें कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं आ सकते हैं। फिर कुछ लोग हमारे घर से 50 फुट की दूरी पर रहेंगे, कुछ आदमी 10 फुट तक आ सकते, उससे कम में कोई नहीं आ सकता। और मैं खुद ही हमारे दादाजी को छू ही नहीं सकता गया, तो छुआछूत घर के अंदर से चालू होता है, वो बाहर तक जाता है, छू नहीं सकते। तो वो खाने के बाद एक एक घंटे का टाइम था, वो टाइम पे छू सकते हैं, नहीं तो छूना ही अलाउड नहीं है। नहीं तो उनको फिर वो, यदि मैंने छू लिया है ना, उनका 70-80 साल का आयु है, वो भयंकर गर्मी होती है मद्रास तमिलनाडु में ना, उसमें 1.5 किलोमीटर दूर कुएं में जाके फिर स्नान करके फिर कपड़ा धो के गीले कपड़े में फिर आके और जो सूखा हुआ कपड़ा फिर उसको डंडी से निकाल के फिर पहनना पड़ेगा। यदि किसी ने छू लिया तो 1.5 घंटे का शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जान निकल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भारत बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है, दुनिया तो कॉम्प्लिकेटेड है ही, उसमें भारत इन मामलों में विशेष रूप में कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मान्यताएं कुछ बहुत गहरी होती हैं। सबसे गहरा मान्यता क्या है, मैं शरीर हूँ, वो लाखों वर्षों का इतिहास है उसका। तो ये समझ में आता है। तो मान्यताओं का वर्गीकरण हम जनवरी वाले सत्र में करेंगे, उसके पूर्व में आप लोग देखना चाहते तो उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है अभी, उसको देख, बट आपको यहाँ तो टाइम नहीं मिलेगा, उनको देख कर याद है। आपने बोला था दिसंबर में चले जाएंगे ना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, देख सकते हैं आप। ओ नहीं, जो भी हो, क्योंकि वो भी एक बार करने से नहीं, मतलब मैं खुद ही उसको रखता हूँ है ना, और सारी चीज़ें मुझे खुद ही हर समय ध्यान है, मूल्यांकन के बिंदु ऐसा नहीं है, बार बार करना पड़ता है। इस पूरे प्रक्रिया के एक ही मूल मंत्र है, रिपीटिशन, और कोई मंत्र नहीं, एक ही मंत्र है जो मुझे आज तक समझ में आया, रिपीट, नर्मदा परिक्रमा करते रहो। दूसरों कोई इस बीच में सारा होता रहेगा, खाना बनाओ, खाओ, लोगों के साथ बात करो, एक झगड़ा हो गया उसको निपटाओ, क्रिकेट खेलो, बच्चों के साथ घूमो, ये सब चलता रहेगा है ना, जिसको अभ्यास लिखा है इधर, प्रयोग और व्यवहार अभ्यास, ये दुनिया है, ये चलता रहेगा। हमारा अंदर वाला जो पार्ट है अध्ययन, और यहाँ जो अभ्यास लिखा है, ये गोल 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 घूमता रहेगा। इतना ही है जिंदगी, चाहे एक शरीर यात्रा करो, चाहे 50 करो, चाहे 500 करो। दो तीन मिनट है ब्रेक के लिए, ये तो हो गया, ये इसमें थोड़ा हमने अधिक समय दिया, बट ये आप लोग इतना सारा समय देकर इधर आए हो तो कम से कम वो किस विधि से वो होता है वो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाए, इसलिए समय दिया। परिमार्जन पहले दिन से थोड़ा थोड़ा होता है, हमको मानना पड़े, हम ये मान सकते हैं इधर तक हम आ गए, जहाँ समय लगा रहे हैं, यहाँ से भाग नहीं रहे। इसी इन्होंने पूछा था 6 महीने के शिविर का उपलब्धि क्या है, मैंने कहा यहाँ से भागोगे नहीं वही उपलब्धि है। ठीक है ना, इतना ही है, छोड़ के नहीं जाए, यही उपलब्धि है, बने रहना उपलब्धि है। क्योंकि बने रहने से आपके अंदर की जो उपलब्धि है, आपकी आवश्यकता, आपकी पात्रता आपके अनुसार होगा। हम कैसा तय करेंगे कि आप यहाँ 8 महीने आने से आप में स्नेह आ जाएगा कि उदारता आएगा कि कौन सा आएगा, वो भगवान जाने। क्योंकि आपका सुसंस्कार का पैकेट, आपका श्रवण की क्षमता, आपका वस्तु समझने की तीव्र इच्छा, आपकी जागृति क्रम की यात्रा, आपका परिवार परंपरा का जो इम्प्रेशंस है वो बहुत यूनिक है, वो तय ही नहीं हो सकता। हाँ, इतना तो बेसिक है, सारे बुक्स को आप पढ़ें तो सेकेंड टाइम पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली इतना तो होगा ही। इसके बाद कोई मेरे ओर से तो कोई अपेक्षा नहीं। आप नारियल का पेड़ लगाएंगे, नारियल बेचेंगे, प्रमाणित हो जाएंगे है ना, व्यवस्था में भाई, ये सब आपके ऊपर है, इसको मैं कैसा तय करूं? आपकी जागृति को मैं तय नहीं कर सकता ना, खुद का ही तय नहीं हो पाता है, दूसरे का कहाँ से तय करेंगे? आपको लगता है एक आदमी अपनी जागृति को तय कर सकता है? नहीं। ये स्टेजेस को समझ सकता है, इसमें चलने की गति को कैसे तय करेगा वो? मेरा खुद का ही मुझे नहीं पता, आपका कैसा बोलूं?
ये क्लियर होता है कि ठीक है, ये चर्चा अनुभव दर्शन में प्रासंगिक, ऊपर सत्याभास आभास प्रतीति अनुभूति भी लिखा, तो उससे गुजरने के समय में क्या क्या होता है उसको थोड़ा सा एक मैंने व्यू दिया। जो छोटी छोटी गलतियां हैं जल्दी जाएंगी, छोटे छोटे भ्रम शीघ्र जाएगा, मध्यमवर्ती भ्रम और थोड़ा समय में जाएगा, जो बहुत मूल मान्यता है उसमें और टाइम लगेगा, और जो सूक्ष्म मान्यता है वो फिर बहुत लास्ट में जाएगा। प्रतीति बनेगा ना, अनुमान तो बनेगा, वो ए अभी अभी हम जो अभी मैं बात की आपको, ये अनुमान ही है प्रतीति जाने के लिए, एक छोटा अनुमान है ना, उसका और बड़ा अनुमान बनेगा, और बड़ा अनुमान बनेगा, पहले वो तर्क के रूप में बनेगा, फिर किसी समय में हम स्वयं ही उस पर चलते हुए अपने आप को पाएंगे, फिर हमको अपने बारे में अनुमान बनेगा, ये यात्रा है। तो उस दिन आपको याद है हमने चार जीवन लिखा था, याद है, वो सब इसी से जुड़ता है, वो अलग, मैं कल ही इनके यहाँ बोल रहा था चंद्रशेखर भाई, मेरे पास 5 से 10 फॉर्मूला है, हर जगह वही बिठाता हूँ, नया कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए हमने चार जीवन की बात की थी, याद है, देखिए एक विद्यार्थी का जीवन है, ये चलते रहता है, अभी आप विद्यार्थी वाले स्टेज में, उसके लिए अनुकूल कुछ वातावरण चाहिए, यहाँ पर पढ़ना एक वातावरण हो गया, वो पुस्तक एक वातावरण है, ये कैमरा एक वातावरण है, नागराज जी का वीडियो एक वातावरण है, ना ऑडियो एक वातावरण है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए वातावरण या इनपुट आ गई, ठीक। फिर आपका एक गृहस्थी का जीवन आएगा, अब आपके साथ क्या है, गृहस्थी हो गया है, उसके बाद आप विद्यार्थी बनने जा रहे हैं, उसमें जो भी कठिनाई आएगी आएगी, उसको झेलना पड़ेगा, है ना। यदि ये पश्चाताप होता है कि पहले मिल जाता है ना, तो पहले हम जागृति क्रम में थे, है ना, हम खुद ही अनुसंधान कर लेते, किसके लिए वेट कर रहे थे कोई और करके दे दे और सही टाइम पे दे दे और पैसा भी दे दे, है ना, और खाने को भी दे दे, ऐसा तो होता नहीं है ना, हम खुद ही कर लेते, हम में से किसी की मतलब जो भी पात्रता नहीं था कि ना, किसी को सूझा ही नहीं, कोई ट्राई भी नहीं किया, सब अपना मजा मार रहे थे, ठीक। तो ये गृहस्थी का जीवन, दूसरा ये चलते रहेगा, ये आर्थिक जीवन, इसमें कर्माभ्यास एक भाग है, इसका अंतिम छोर स्वधन है, हम कल बात करेंगे उस पर, ठीक। इसमें पैसा भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन भी है ना, क्रेडिट रिस्क भी है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो दुनिया है, तो ये सारा आ जाएगा। इसमें व्यवहार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, व्लादिमीर पुतिन भी है, सब लोग हैं, ये तीन। चौथा, इसको करते हुए यदि हम कोई कुछ भी उपकार का एक छोटा अंश यदि करना चाहते हैं, तो वह समाज में हम कुछ करते हैं, किस रूप में, अपने अभ्यास के रूप में करते हैं, प्रमाणित करने के अर्थ में नहीं, अभी जो उपकार कार्य, कुछ भी उपकार कार्य का क्या मतलब हुआ, मानवीय शिक्षा के लिए कुछ किया, अभी इतना ही है, मानवीय विनिमय व्यवस्था के लिए कुछ कर नहीं सकते, कोई सिस्टम नहीं है, है ना, मानवीय उत्पादन व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा धनराशि चाहिए, मानवीय न्याय व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं हम, 10-20-50 आदमी के बीच में वहाँ तो कम से कम प्रैक्टिस करें, बट वो सब टूटा फूटा ही रहेगा, क्योंकि ये भी टूटा फूटा है, ये भी टूटा फूटा है, तो यहाँ जो भी करेंगे वो भी टूटा फूटा ही निकलेगा, ये समझ में आता है क्या, सीधी सी बात है, एक ही चीज़ अभी सेट कर सकते हैं, वो स्वास्थ्य, वो भी लोगों ने पहले से करके रखा है, तो ये सब लोग जाकर आए थे एक स्वास्थ्य कैंप में, तो बहुत सारे फल वाले स्वास्थ्य कैंप हैं, एप्पल वाले स्वास्थ्य कैंप हैं, है ना, नारियल के पानी वाला स्वास्थ्य कैंप है, ठीक है ना, औषधि वाला है, रनिंग वाला है, टाइक्वांडो वाला है, पूरा दुनिया भर के रखा है उससे। हमारी एक फ्रेंड है, वो मैंने वो जूस वाला कैंप है, वो क्या तो बोलते हैं उसको, बट वो अनाज भी नहीं खाएंगे वो कैंप में, उसके बाद भी नहीं खाएंगे, वो बोलते हैं मनुष्य फ्रूटेरियन है, तो चिड़िया जैसा है ना, चिड़िया दाना नहीं खाती है, वो फल वो सब खाती है। हाँ, नहीं, बहुत सारा मतलब उसमें, तो कुल मिलाकर ये है ना, ये समाज के लिए कुछ करना, ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक।
आप चाहे उसको आप संस्था के अंदर करो, घर जाके करो, बट इसके वातावरण के लिए सेट करना पड़ेगा। हर एक के लिए एक वातावरण है, जैसे इसका एक वातावरण है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक वातावरण है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए एक वातावरण है ना, ये बहुत सेट नहीं करते। जो आप पैदा हुए वही वातावरण है, जो आपका माता पिता घर वो है, वही है ना। अब जैसे मैं 10-12 साल छोड़ के इधर आया तो उससे दूरी रहा, मेरी जो पारिवारिक जो जन्मदत्त जो वातावरण है उससे मैं दूरी रहा हूँ। मैं 12 वर्षों से घर से बाहर हूँ, ठीक, अभी फिर गया हूँ बट बाहर ही हूँ, वहाँ रहते हुए भी बाहर ही हूँ। मैं घर यहाँ आके कितना दिन हो गया, 7-8 दिन हो गया, आज सवेरे पहली बार फ़ोन किया घर, ठीक है। और इसके लिए एक वातावरण है ना, जैसे मैं अभी आपके पास आया, क्या किया, मैं इधर आया हूँ, इस वातावरण में अपने अभ्यास के अर्थ में उपकार का एक आंशिकता करने के लिए यह छोटी नामक वातावरण में आया, ये मेरा फिक्स्ड है। इसके लिए मैंने दिन फिक्स किए हैं, प्रति सप्ताह का टाइम फिक्स किया, उतना करता हूँ, ठीक। तो इसके लिए टाइम फिक्स होना, इसके लिए टाइम फिक्स होना, इसके लिए टाइम फिक्स होना, ये ऑप्शनल है, कितना करना नहीं करना हर आदमी की पूर्व प्रवृत्ति के अनुसार है ना। एक आदमी विद्यार्थी प्रधान प्रवृत्ति का मिलता है, एक आदमी आर्थिक प्रधान प्रवृत्ति का मिलेगा। आर्थिक प्रधान प्रवृत्ति मतलब लाइफस्टाइल है ना, आमदनी का स्रोत। जैसे एक आदमी सारा अध्ययन करके सोचता कि मैं मिट्टी का घर बनाऊंगा, मैं केवल सोलर की इलेक्ट्रिसिटी से चलूंगा, एक बोलता नहीं मैं खेती करूंगा, एक बोलता नहीं मैं उद्योग लगाऊंगा। लाइफस्टाइल को परिवर्तित करना। दर्शन क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करता है, व्यवहार को भी परिवर्तित करता है, समाज को भी परिवर्तित करता है, हमको बोलता है तुम भी परिवर्तित हो जाओ। तो सारा 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 रिप्लेसमेंट करना एक दिन में तो होगा नहीं ना। तुम नया पढ़ो, ये भी नया समझ लो, और पुराने को फ्लश टैंक में डाल के फ्लश कर दो, इतना फास्ट तो होता नहीं, कोई भी चेंज इतनी नहीं होती, ये समझ में आता है। इसीलिए इसको विकल्प बोलते हैं, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, वो ब्रह्मानुभूति भी बदल गया, सारा ठिकाने लगा दिया एक ही शॉट में ना। इसलिए इसमें समय लगता है। एक आदमी अर्थव्यवस्था तो स्वधन स्वावलंबन को लेकर अधिक चलेगा, एक आदमी बोलेगा नहीं मैं परिवार में झगड़ा हो गया था, अभी फैमिली में टाइम देता हूँ, है ना, मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई आज तक, ये सब समझ के मैं बदल गया। एक आदमी को, आदमी मतलब मानव, स्त्री पुरुष दोनों, वो समाज लक्षित है, पहले से पूर्व प्रवृत्ति टाइप 4 व्यक्ति, वो ये सब करके इसमें घुस जाएंगे शिक्षा में, तो इस शिक्षा में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, अडल्ट एजुकेशन है जिसको अभी हम कर रहे हैं, लोक शिक्षा, उसके लिए नोट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, या शिक्षा का मानवीकरण है, शिक्षा संस्कार, बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसको सोचो, ठीक है ना, पैम्फलेट बनाओ, बेचो, बांटो, ये सब सबका प्रवृत्ति अलग अलग है। हाँ, तो ये क्या होता है कि इसको यदि बनाएंगे तो ये फेजेस है। एक विद्यार्थी का आपका फेज आएगा, उसके बाद मतलब उसका आंशिकता व्यवहार में तो आते ही जाएगा, कुछ प्रयोग वाला भाग आएगा मतलब अर्थव्यवस्था वाला है ना, और समाज, ये इसका क्रम है। प्लस आप 4 टाइप के व्यक्ति हैं, है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसके क्रॉस में उसको उत्तर मिलता है। जैसे अब मैं एक टाइप 4 व्यक्ति हूँ, समाज केंद्रित व्यक्ति हूँ, है ना, मेरे टाइप कहाँ से आता है, जीवन की पूर्व संस्कार से, है ना, और उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में चित्त में क्या होता है। अब मैं जब शिविर सुन रहा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे विद्यार्थी बनना, मैं क्या सोचूंगा, मैं स्वावलंबन कैसे करूँ, ये समाज में कैसे जाएगा, समाज को कैसे परिवर्तित करूँ। हम किस उद्देश्य से सुनते हैं वो हमारे ये टाइप से, ये विद्यार्थी वाले में भी 2 है, एक बौद्धिक और एक आध्यात्मिक लक्षित, है ना। बौद्धिक के पहले तर्क, बौद्धिक मतलब दार्शनिक, बौद्धिक मत लिखिए,
बोल नहीं सकते, भारत में इतने सारे दार्शनिक है, कितने आध्यात्मिक हुए हैं, और आधे से ज़्यादा आध्यात्मिक बोलते सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब कचड़ा है। ठीक, तो हम हमारे टाइप के अनुसार हम तो किसी फेज़ में भी हैं, तो हम टाइप 4 हैं अभी इस वाले फेज़ में, इस पर फोकस करेंगे। हम टाइप 3 हैं तो हमारा व्यवहार का वाला फेज चला है, व्यवहार मतलब परिवार को सेट करना, कुछ भी यदि रीसेट करना, कुछ भी इस टाइप की चीज़, ये व्यवहार और अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर निर्णय करता कि कहाँ रहेंगे। ऐसे यहीं पर देखे बहुत सारे लोग उधर घर बना लिए, इधर घर बना लिए, इधर घर बना लिए, क्या सेट कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल और व्यवहार के वातावरण, व्यवहार का वातावरण ही आगे बाहर जाके मित्रता मिलेगा ना समाज में। तो परिवार का स्वयं पत्नी वाला सेट इधर है, बाकी का जो परिवार पीछे छोड़े रहते हैं, जैसे मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर थे, हमारा बाकी का फैमिली हम ला ही नहीं सकते। मेरा 2 पुणे में है, 1 बेंगलोर में है, 2 मैसूर में था और 2 तमिलनाडु में था, क्या इकट्ठा करूँ उसको, मेंढक को लाने जैसा हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा वो। सबका परिस्थिति अलग अलग है, उसके अनुसार इसमें निर्णय होता है। ठीक, ठीक है, चाय पी लेते हैं। हाँ भैया, यही वाला 45 का भैया, 45 में। हाँ, ये संपूर्ण अविकसित विकसित, संपूर्ण अविकसित विकसित के लिए साधन, व विकसित अविकसित के लिए उपयोगी है, क्योंकि विकसित अविकसित में पूरकता सूत्र वर्तमान है, साधन को साध्य समझना ही अज्ञान। अविकसित का मतलब जड़ प्रकृति, विकसित का मतलब जीवन मानव। यहाँ पे भैया विकसित अविकसित के लिए उपयोगी है बोल रहे हैं, जबकि जबकि अविकसित विकसित के लिए उपयोगी होता है, ऐसे हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, वही उपयोगिता पूरकता सूत्र है ना, दोनों को मिला के कहा जाता है, यहाँ पर संक्षेप में दिया है। ठीक है ना, जैसे विकसित अविकसित के लिए क्या होगा, पूरक होगा, पूरकता स्थापित करेगा ना। जैसे मानव अन्य जड़ प्रकृति के लिए पेड़ पौधे है ना, जीव तथा पदार्थ के लिए पूरक होगा, उसी को यहाँ उपयोगी लिखा है, आप पूरक मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो उपयोगिता पूरकता, तो पीछे की अवस्था के लिए पूरक होते हैं, आगे की अवस्था के लिए उपयोगी होते हैं। वर्तमान सूत्र रहता है ऐसे बोल रहे हैं, तो इसी में पूरकता वर्तमान सूत्र वर्तमान रहता है। हाँ, क्योंकि जड़ में भी देखेंगे तो प्राणावस्था पदार्थ से विकसित है, तो प्राणावस्था पदार्थ अवस्था के लिए पूरक हो गया, पदार्थ अवस्था प्राणावस्था के लिए उपयोगी हो गया ना। तो पेड़ पौधे धरती का उपयोग करते हैं, पदार्थ अवस्था का उपयोग करते हैं, तो पोटेशियम ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे, पानी ले लेंगे, हवा ले लेंगे, उसके साथ आदान प्रदान होगा। प्राणावस्था जीवावस्था के लिए उपयोगी है, जीवावस्था प्राणावस्था को खाती है, जीवावस्था प्राणावस्था के लिए पूरक है ना, तो उसके बीज को फैलाना, उसमें पॉलिनेशन कराना, ये सब जीवस्था मानव के लिए, प्राणवस्था पदार्थ प्राण तथा जीवस्था मानव के लिए उपयोगी है, मानव तीनों को उपयोग करता है, बदले में तीनों के लिए पूरक होना चाहिए, यही वर्तमान है। वर्तमान का मतलब जिसकी निरंतरता है, संभावना है, और जो मनुष्य के धर्म के अनुसार है, जो सुखदायी है। तो अभी जो मनुष्य पदार्थ प्राण तथा जीव के लिए अधिकांश शोषण, सभी लोग शोषण कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं, कभी पूरक भी रहते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको वर्तमान कहा है। तो यदि हम प्रकृति में देखेंगे तो पदार्थ प्राण तथा जीव में पूरकता है ही, और ये वर्तमान है, अभी उपस्थित है। ठीक,
मानव का होना या अधिकांश मानव का होना उसमें शेष है। तो नहीं हो पा रहा तो भी क्या है, वर्तमान तो रहेगा ही है? पूरक होना, ये ऐसा होना जरूरी है लेकिन भले नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यही जरूरी है, मतलब वही यथास्थिति है, फाइनली वही हमको पहुंचना है और उसी की निरंतरता है। जैसे अभी मानव में अखंड समाज नहीं है तो वो वर्तमान, नित्य वर्तमान नहीं है, अभी है, वस्तु स्थिति के रूप में है, परिवर्तनशील है, कोई स्थिर नहीं है ना। समाज की भी स्थिति को देखिए, एक समय में धर्म के आधार पर समाज बटा था, अभी भी विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो किसी धर्म आधारित हैं, कई देश हैं जिसमें अनेकों प्रकार के धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। फिर जैसे भारत है तो जाति के आधार पर विखंडित है, ठीक। और यदि आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर जाति जन्म से नहीं है वैसे ना, गोरे और काले लोगों के बीच में विखंडन है, या गोरों के बीच में ही अलग अलग जगह से जो गोरे हैं उनके बीच में विखंडन है, ठीक है ना। परंतु किसी जगह में है किसी जगह, तो ये परिवर्तनशील है, समाज की स्थिति स्थिर नहीं है। हम जिस समाज में पैदा हुए जिसमें बड़े हुए, आज वो समाज नहीं है, बदल गई ना, उसकी रूपरेखा बदल गई। तो मनुष्य की जो मान्यता है उसके अनुसार या स्वीकृति का स्तर है उसके अनुसार समाज में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो वर्तमान क्या रहेगा, जिसकी निरंतरता है, तो जो मानव धर्म के अनुकूल है उसी की निरंतरता होगी। इसीलिए अखंडता का ही वर्तमान के अर्थ में हमारे अंदर स्वीकारना बनेगा, है ना। उसको यदि हम चित्रित करते हैं, स्वीकार लेते हैं, तो वो हमारे लिए सुख का स्रोत बनता है, क्या, जो हमने अखंडता को स्वीकार लिया, सार्वभौमता को स्वीकार लिया। उसके बाद विखंडित समाज के लिए के साथ कैसे हम रहें उसके लिए झेलना है, ये बात समझ में आती है। तो अध्ययन के जगह जो ऊपर लिखा है ना अध्ययन, वहाँ पर हम वर्तमान को स्वीकारते हैं, ये जो नीचे जो परिस्थिति उसको नहीं स्वीकारते। अध्ययन तो यथास्थिति का होता है, यथार्थता का होता है, तो भ्रमित अवस्था का अध्ययन नहीं है, फिर भ्रमित अवस्था की समीक्षा है या पहचान है। तो जागृति के स्वरूप को अध्ययन करते हुए, जागृति के स्वरूप को स्वीकारते हुए हम अजागृत अवस्था के साथ झेलने के लिए हमारी क्षमता विकसित होती है। तो अजागृति देखेंगे वो तीन ही जगह आपको मिलेगा, समाज की स्थिति नंबर 4 है ना, नंबर 3 इधर व्यवहार में हमारे आसपास के लोग, उनको जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है तो वहाँ भी झेलना होगा। अर्थव्यवस्था जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है, पैसे है या ज़्यादा है या कम है, उत्पादन करना है ट्रांजिशन में, वो सबकी आयु प्रवृत्ति के अनुसार बदलेगा। ये जो परिस्थिति है इधर, जैसे आर्थिक नंबर 3 में जो परिस्थिति लिखी है, सबका लगाना, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका आपका अलग है, हम सबका परिवार, हमारी आयु, अब तक हम जो कमाएं गवाएं कैसे कमाएं वो सब अलग है। फिर किसी को भी पढ़ना है तो पैसे के बारे में सोच नहीं सकता, जैसे यहाँ रहते हो आप कोई पैसा कमा नहीं सकते, कोई भी अर्थोपार्जन अध्ययन करते हुए अर्थोपार्जन करना असंभव है। यहाँ अध्ययन करो, शाम को जाके मुरमुंडा में समोसा बेचो, कठिन है, कर सकते हैं, सेकंड राउंड में कर सकते हैं, वैसे वो भी एक अच्छा उत्पादन है समोसा बेचना, यहाँ काफ़ी लोग समोसा खाते हैं, मुरमुंडा में तो अच्छा बिकेगा। मैं यदि यहाँ रहता तो इडली वड़ा बेचता बना के रोज शाम को ठेला, बट मुझे तो वो लगता है, यदि मेरे दुकान में तो कांच लगे, इतना धूल नहीं सह पाऊंगा मैं, मुरमुंडा में इतना धूल है गर्मी में। छाछ लस्सी जाएगा, समोसा भी दे ही सकते हैं, नहीं सबको समोसा खिलाएंगे और शाम को उसके साथ पैम्फलेट दे देंगे कि रात का खाना मत खाओ, 16:00 करना और नेक्स्ट तुम्हारा भोजन जो है दोपहर को 12:30 के पहले मत करना, 4 समोसा खाओ, रात का खाना स्किप करो, सवेरे 12:30 खाओ। हमने अपना कर्तव्य कर लिया। चलिए आगे,
हाँ, अविकसित विकसित के लिए उपयोगी होता है, विकसित अविकसित के लिए पूरक होता है। जैसे पशु मानव राक्षस मानव के लिए उपयोगी होता है, राक्षस मानव को पशु मानव के लिए पूरक होना चाहिए, नहीं होता है, कभी कभी होता भी है, शोषण भी करता कभी। जैसा हमारे गांव में मैंने देखा, हमारे घर में जितने लोग काम करते थे, दो चार पाँच छः होंगे, हमारी नानी का व्यवहार उनके साथ हर समय अच्छा था। मैं इतने वर्षों में देखा, मेरी नानी नहीं रहे भी, कभी भी किसी पर चिल्लाते हुए झगड़ा करते हुए एक भी बार नहीं देखा। मतलब उस आदमी पर शोषण हो रहा है ऐसा कभी भी नहीं। जो वहाँ का जो डेली रेट है उससे अधिक ही दिए, भूख लग गई तो बिठा के भोजन भी खिलाई, है ना। उनके शादी ब्याह में जो भी मैंने एडवांस देना था, पैसा नहीं होता है शादी ब्याह में, है ना। या मृत्यु, गरीब आदमी कहाँ पर्व होता है, विवाह और मृत्यु, मृत्यु में पैसा खर्च होता है और विवाह में पैसा, उसके लिए वो ले लेता है, लोन ले लेता है, वो उसको मार देता है। क्योंकि प्रतिदिन के खर्चे के लिए तो मेहनत करता ही है। किसी भी गांव में कोई भी आदमी भीख मांगता हुआ आपको नहीं दिखेगा, समाज उसको भीख मांगने देती ही नहीं, आप कर भी नहीं सकते, वो सिटी में ही होता है। हमारे गाँव में मैं एक भी भिखारी नहीं देखा, नाना जी के गाँव में हर मनुष्य मेहनत कर रहा है, 7 घंटा 8 घंटा, उसके श्रम का जो रिटर्न है वो नहीं आता, वो एक वस्तुस्थिति सत्य है। आर्थिक व्यवस्था में उसके काम का उतना उपयोगिता नहीं है। वही 8 घंटे का आदमी बैंक में बैठा उसे 10 गुना कमा रहा है, जबकि आदमी काम नहीं कर रहा, बैंक का आदमी दूसरों का पैसा गिन रहा है, ठीक है ना, उसको काम माना जाता है। तो फिर उसमें ले लेते थे लोन, माँ का मृत्यु हो गया, अंतिम संस्कार करना, 1 लाख रुपये लोन ले लिया, 5 साल में पटाओ, 2-3 साल में दोनों भूल जाते थे उसको, वो वापस कभी नहीं आता है ना। शादी ब्याह करनी है, वो लड़का वाला कह रहा है कि मोटरसाइकिल खरीद के देनी है, नहीं तो लड़की का, तो समाज का बहुत सारा प्रेशर होता है। उससे मुक्ति पाना कठिन, 1 घंटे का 60 मिनट्स का 500 रुपये का, फिर आप रीहेड भी कर सकते हैं। फिर मैंने रीयूज किया उसको, बस 2 ही बार कर सकते हैं, उसके बाद वो मैग्नेटिक टेप है, उसको 2 साइड होते हैं। हमने 14 या 15 अगस्त को शुरू किया, 22 अगस्त को सायंकाल 8:30 बजे चर्चा पूरी हुई, खाना खा के 10 बजे की घड़ी, 22वां टेप 22वें तारीख को शाम को 8:30 बजे खत्म हुआ। एकदम एक अनुमान लेके चले थे, बाबा जी ने भी ऐसा टाइम किया कि बराबर वो 22 स्टेप पूरा हुआ। यहाँ पर दे सकते हैं, वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, हैवी है बट यू कैन यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। एंड यहाँ जो लोग स्थानीय, इनको तो टाइम नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग, मेरा ऐसा सोचना है, ये सब कल्पना है कि अध्ययन में बाबा जी का ऑडियो वीडियो मिला के फिर वो जो आपको बोला एंट्री एग्जिट बुक्स प्लस दर्शन, ये मिलके एक पैकेट बनता है 2-3 वर्ष का। उसमें दिन में 1-2 घंटे का वीडियो देखना, उससे अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं, उनका ध्वनि ही अलग है ना, वो शेर की आवाज। हम लोग चूहे बिल्ली जैसे बात करते हैं, एक्टिंग भले ही कोई करे, शेर वो शेर तो आता नहीं, वो अनुभव बल ही है। अनुभव बल नहीं है तो उसका एक्टिंग कैसा करोगे, विचार शैली है। यहाँ से जो हम दो बोल रहे हैं ये विचार शैली है ना। और यदि मैं, मेरा व्यवहार ठीक है, उदारता है, सहकारी भाव है, माता पिता का सेवा करता हूँ और पपीता का बना के उसको बेच भी रहा हूँ, तो वो जीने की कला है। अनुभव बल मिसिंग है, अनुभव का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते, उसका बल नहीं है, वो कल्पना से आता नहीं, बट वो सुनना चाहिए। मैं देता हूं आपको, आप अपने घर में तो लगा ही सकते हैं, और उसमें आपका जो कॉरिडोर है उसमें स्पीकर लगा दो, सवेरे ऑडियो शुरू कर दो, सुप्रभातम जैसा चलते रहेगा पूरा दिन, 600 घंटे है, सिंपल है, उनका घर में बढ़िया है, एक एक रूम के सामने एक छोटा स्पीकर डाल दीजिए, वो है ना विष्णु सहस्रनामम या सुप्रभातम जैसे उसको चालू कर दीजिए, सवेरे गुनगुन चलता रहेगा, 2-4 आदमी सुनता रहेगा पूरा दिन। ऑडियो तो रॉ ऑडियो 32 GB का है, वीडियो 400-500 GB का होगा,
वो एडिटिंग करने में थक गया, बोर हो, मतलब वो 8 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ अब करेंगे तब करेंगे, फिर अब लग रहा है ये पता चला मतलब बुढ़ापे में आके फिर एडिट हुआ, तो सोचता हूँ अभी दे दें बाद में, मतलब किसी ऑफिशियल उस पर नहीं रखेंगे लिंक पे, अनौपचारिक विधि से इट कैन बी शेयर्ड। तो उससे क्या है एडिटिंग की भी प्रेशर बनेगी, नहीं तो एडिटिंग की प्रेशर नहीं बनते, अरे यार ये सर्कुलेट उसको एडिट करो, फिर एडिटेड वाला अच्छे से दे पाएंगे, नहीं तो एडिटिंग के लिए टीम नहीं बन पा रही है। ये दर्शन में क्या है, ये दर्शन है, ये संस्था होते हुए भी संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अपरिभा मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई मैंने परमानेंट लोग नहीं है जो उसके लिए डेडिकेटेड, हर आदमी ये चारों में काम कर रहा है, हर आदमी विद्यार्थी भी है, घर गृहस्थी भी देख रहा है, उसका कैश फ्लो भी देख रहा है, ऊपर से प्रेशर में भी आता है, स्वावलंबन नहीं हो रहा है, कोई पूछ लेता तो स्वधन में नहीं जी रहा है, फिर आचार बना भी लेता है तो बेचारा बोलता तू प्लास्टिक के डिब्बे में बेचा, उस पर तूने केमिकल की स्टिकर लगाई है ना, तो तो यह कब करेगा एडिटिंग, एडिटिंग करते करते मतलब ये सब निपटते निपटते शाम का 7 बज जाता है, ऐसी जगह में फिर 3 आदमी को कहता भैया आपसे बात करनी है, 4 आदमी में बैठ जाता तो कब करेगा, वो टाइम ही नहीं है। संख्या बल चाहिए, 50-100 आदमी चाहिए तब होगा। संस्था को भी डिजाइन करेंगे ना इसी विधि से करना पड़ेगा, पहले एक मनुष्य को चित्रित करना पड़ेगा, उसके अध्ययन क्रम को चित्रित करना पड़ेगा, उसकी जो पूर्व प्रवृत्तियों में जो भी है कुछ थ्रेड्स को चित्रित करना पड़ेगा, फिर उसके जीने के स्टेजेस को चित्रित करना पड़ेगा, प्लस उसका टाइप को चित्रित करना पड़ेगा, ये 4 एक्सिस में वो होगा डिजाइन। हाँ पैकेट है वो, तो पहले ये इसके बेसिस पे आप मूल अभ्यास को स्थिर करेंगे, उस मूल अभ्यास के प्रकटन के क्रम में बाकी 3 है ना, और 2 और 3 के एक्सटेंशन के रूप में फिर 4 है। अब क्या होता है, हमने पढ़ा और सीधा 4 एक लिंक बनता है, तो बीच की सारी जगह वो हो जाती है, तो फिर आप कोई आइडियलिस्टिक यहाँ डिजाइन बनाओगे भी यू विल बी लिमिटेड बाय दीज 2, उस व्यक्ति का अपना अध्ययन एंड हिज पूर्व संस्कार। तो सभा तो बना ली पर सभा के योग्य आदमी उसमें होना वो, तो उसका दूसरा तर्क आता है कि भाई फिर उसके पहले कुछ नहीं कर सकते, वेट करो। अच्छा एक को भी यदि अनुभव हो गया, क्योंकि बाकी लोग वो है वो नहीं मानेंगे उसको बोला बात झूठ बोलता है, कहां से हो गया तुम, जब बैठो उधर, कोई अनुभव अनुभव नहीं, ज्यादा दिन बोलेगा उसको बोलेगा एक काम कर तू वहां खेत ले ले, वहां जाके रहे शांति से ना, ये खिसक गया उसका तो अनुभव हो गया मतलब खिसक गया, ट्रीटमेंट चाहिए बड़ा मुश्किल है। तो इनकम्प्लीट लोग हमारे 2010 में एक आदमी था उड़ीसा से, वो रात को 2:30 बजे चिल्लाने चीखने का आवाज आने लग गया ऊपर से, क्या हो गया, फलाना आदमी को अनुभव, मैं तो मैं नीचे अनुभव दर्शन पढ़ा रहा हूं, मैं खुद ही सोच रहा हूं उसका रास्ता क्या है, मैं 3 दिन मुझे सुन के उसको क्या हो गया, वो कूदते हुए नीचे आता, क्या मुझे गठनपूर्ण परमाणु दिख गया मुझे तो बोले भैया क्या करें, तो मैं और गौरी थे, मैंने कहा इसमें संयम की क्रिया शुरू हो गई है इसको शांत करो, उसके संयम को बंद करने के लिए हमको 3 घंटा लगा, उसका संयम बंद ही नहीं हो रहा है, कंप्लीट खिसक गया आदमी भी मैं शिविर में बोलता था ये 4.5 क्रिया ने 450 भी ने 4,500 क्रिया है, इतना वैरायटी है, कभी ऐसा लगता हूँ बुढ़ापे में बैठ के उसी पर पुस्तक लिखेंगे, 4,500 का कितना वैरायटी हो सकता है, उसको सूत्रित करना, बाबा जी तो मारेंगे, बोला तुमको जागृति बता कर क्या था, तुम बैठ के ये कर क्या, वो सूत्रित हुए बिना उसके साथ जिएंगे कैसे आप। ओ उसको हो गया अनुभव, वो के चले गए ओडिशा, उसके बाद 3-4 लोगों को हो गया पिछले 10-12 वर्षों में। है
प्रमाणित कर रहे हैं अनुभव को। हैं? अकेले बोलो होंगे, बट बहुत सारे लोग तो उधर अनुभव शिविर जो लगता है उसमें डायरी में लिखे हैं, वो सब स्कैन होके एंट्री रखा है, उसको पब्लिक किया नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने लाइब्रेरी में वही एक चीज अपलोड नहीं हुआ है, मेरे पास है सुरक्षित। तभी अगले वर्ष पता चलता पिछले वर्ष ज्यादा बोल दिया। नहीं तो आपका वो ही नहीं गया, हिस्ट्री नहीं रहेगा ना, हर समय वर्तमान। 5 साल पहले वाला अपना पर्स भरा है, यार मैं क्या क्या बोल दिया, सब तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। वो लिखना ठीक है, हर साल भले ही कोई अनुभव शिविर में नहीं, अपने डायरी में लिख के हर आदमी को अपना एक डायरी मेंटेन करना, मुझे क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कितना बचा है। 5 साल बाद मुड़ के देखता पता चलता है कितना भ्रम था, कितना जागृति था। लिखवाते थे बाबा जी विधिवत लोगों से, '90s में हुआ पहला अनुभव शिविर बड़ोकर में, बांदा उधर यूपी में, बड़ोकर खुर्द की इधर हुआ था एमपी में, नाम जगह का नाम बोल रहा हूँ। उसको वो बहुत सीरियसली लेते थे, मुझे आज तक वो वाली उनकी चीज समझ में नहीं आई। अरे हमको दिख रहा उसको नहीं हुआ, उनको कैसे समझ। मेरे को समझ में आ रहा है उसको अनुभव नहीं, और बाबा जी उसको सीरियसली, ये इन्होंने अनुभव का घोषणा बहुत सीरियसली बोलते थे और ये प्रमाणित करेगा। हम देखते थे अरे यार ये क्या। हम लोग उसका जोक बनाते थे, या तो आप ब्रह्म में है या आप ब्रह्म में है। तो ब्रह्म क्या है, मैं ब्रह्म में हूं, इस ब्रह्म में मत लेना। अंतिम ब्रह्म यही है कि मैं ब्रह्म में हूं। ब्रह्म और भ्रम, पता नहीं ब्रह्म शब्द कैसा बना, इसको बृहत है इसीलिए ब्रह्म नाम दिया, ये ब्रह्म पता नहीं कहां से बना, संस्कृत होने से पता चलेगा। अभी भी होता है हर वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांत, ये देखो ऐसा रखने से पैर बाहर आता है, इससे छोटा पैर होता नहीं, इधर से निकल गया पैर। चलिए चलिए 46, आज थोड़ा ठंडा चल रहे हैं क्योंकि 4 ही पेज बचा है, वी आर अहेड ऑफ टाइम। जैसे कि आप देखते हैं अनुभव जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, बोध में इससे अधिक टाइम लगता है, इसलिए अभ्यास दर्शन इतना मोटा है, बोध तक पहुंचने के लिए उससे अधिक समय लगता है वो बाकी सारा दर्शन मिला के। अब स्थूल तरीके में लिखी गई है पुस्तक पहली बार, 1988 फर्स्ट एडिशन है अपने लाइब्रेरी में, छोटा सा है वो भी पढ़ने लायक, कभी बाद में। आगे 46, 46। मानवीय सतर्कता पूर्ण होना और सजगता परिपूर्ण होना, तो पूर्ण और परिपूर्ण में क्या हो, उसी की हायर स्टेज है। मानवतापूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है, 1A। देव मानवता पूर्ण जीवन में सतर्कता परिपूर्ण, पहले सुन लो, सुनने के पहले मत पूछना। सुनने के पहले वापस
मानवतापूर्ण जीवन बराबर हुआ नहीं है, सतर्कता पूर्ण होता है, ठीक है। देव मानवतापूर्ण जीवन प्रमाण नहीं है, 2A सतर्कता परिपूर्ण तथा सजगता होता है। दिव्य मानवतापूर्ण जीवन 3A सजगता परिपूर्ण होता है, उसके बाद सतर्कता पूर्णता का सहजता नहीं है, वो ही है सजगता ही है, सतर्कता सजगता दो ही है स्टेजेस में। सहजता पूर्वक जीता है, वात्सल्य का वो सहजता, वात्सल्य का परावर्तन वो वृत्ति में होता है। ठीक है, उसके बाद 1B में सतर्कता परिपूर्णता का प्रमाण, उसके बाद 2B में सजगता प्रमाणित होगा और 3B में सजगता का अंतिम प्रमाण। एक आदमी में सजगता है, सामने वाले को वहां तक दिखता ही नहीं तो क्या है, उसको कुछ नहीं दिखेगा नहीं। ठीक है भैया, परिपूर्ण का अर्थ भी है समाधान सहित आवश्यकता से अधिक उत्पादन, वो उधर के लिए नंबर 3 के लिए है, पीछे इधर कार्य में प्रयोग में है परिपूर्णता ना। परिपूर्णता एक स्थिति है, वो कौन सी क्रिया के लिए आप लगाते हैं, जैसे व्यवहार का परिपूर्ण होना तो न्यायपूर्वक जी रहा है, विचार का परिपूर्ण होना धर्मपूर्ण जी रहा है ना, अनुभव का परिपूर्ण होना सत्यपूर्वक जी रहा है, ठीक है ना। अनुभव की आंशिकता भास, अत्यांशिकता, अनुभव की अल्पांशिकता आभास, ऐसा अनुभव की आंशिकता प्रतीति, परिपूर्णता, समझ में आता है। अनुभव की परिपूर्णता, विचार की परिपूर्णता, व्यवहार की परिपूर्णता, सतर्कता की परिपूर्णता, सजगता की परिपूर्णता, अध्ययन की परिपूर्णता, उत्पादन की परिपूर्णता, सार्वभौम व्यवस्था की परिपूर्णता, विनिमय व्यवस्था की परिपूर्णता, शिक्षा की परिपूर्णता, संविधान की परिपूर्णता, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस थोड़ी एक जगह में थोड़ी होगा, अल्टीमेट कंप्लीटनेस, परिपूर्ण, ठीक है। पूर्णता को स्थिति के रूप में देखेंगे कि गति, इसमें पूर्णता का मतलब जिसमें कोई त्रुटि न हो, विकार नहीं हो, विकार विहीन स्थिति की पूर्णता संज्ञा है, ठीक है ना। तो अंततः कौन सी वस्तु में विकार है ही नहीं, जिस वस्तु में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, यह व्यापक वस्तु, ठीक है। प्रकृति में विकार होता है, फिर प्रकृति को देखेंगे तो उसमें पूर्णता क्या है, गठन की पूर्णता है, उसके बाद समझ की पूर्णता बराबर क्रिया पूर्णता, अनुभव की पूर्णता बराबर आचरण पूर्णता। जब मानवीयता पूर्ण बोलेंगे तो 1 है, और मानवीयता से परिपूर्ण बोलेंगे तो 1 भी, ऐसा, क्योंकि नीचे में मतलब दिया है, निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है, निर्भ्रमता ही जागृति है, निर्भ्रमता ही जागृति है, तो ये तो बी 1B 2B में आएगा ना। नहीं, कहाँ पर है लाइन, ये तीसरा में थी, ये तीसरा पैराग्राफ, निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है, निर्भ्रमता ही अंडर ब्रैकेट डाल के परम कर दो, परम जागृति है, क्या जागृति पूर्णता है, क्या निर्भ्रमता ही जागृति भी ठीक है, विकास अनुक्रम में श्रम गति परिणाम, नहीं ये निर्भ्रमता जो है 2A और 3A के लिए आएगा, 1A के लिए नहीं आएगा। वन ए टू ए निर्भ्रम, 2A 3A ये सब स्थिति को प्राप्त करने के क्रम, ए स्थिति को प्राप्त करने के क्रम, बी प्रमाणित करने के क्रम, सिंपल फॉर्मूला है। 1A 1B रिफ्लेक्शन है, 2A 2B रिफ्लेक्शन है, स्टेप अप स्टेप डाउन, ट्रांसफॉर्मर एक होता है स्टेप अप, है ना, 110 वोल्ट को 220 वोल्ट बनाना स्टेप डाउन, 440 वोल्ट का भी, ये जो छोटा ट्रांसफॉर्मर है आपके इधर 442 220 वोल्ट का है स्टेप डाउन,
अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है, प्रमाणित करने का क्रम। एक बार अनुभव अधिकार में आ गया तो फिर बाएं हाथ का खेल है मानव चेतना का प्रमाण प्रस्तुत करना। तो क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसा सामने आदमी आता है उसके अनुसार कार्ड निकलेगा, विच कार्ड टू प्ले। तो जैसे अनुभव हो गया, सामने पांच आदमी है, इनके साथ मानव चेतना का प्रमाण, उनके साथ देव चेतना का प्रमाण, इनके साथ दिव्य चेतना का प्रमाण, उसके साथ उत्पादन का प्रमाण, उसके साथ व्यवहार का प्रमाण, उसके साथ उदारता का प्रमाण, इनके साथ करुणा का प्रमाण। अलग अलग होगा ना, सबको एक तो नहीं होगा। एक आदमी का घर ही नहीं चल रहा है, उससे वो पीड़ित है, वो क्या उपकार करेंगे, वह घर चलाने योग्य कुछ मदद कर रहे, बाबा जी करते थे। कोई उनके निकट तो देखिए उदारता क्या, मतलब अभयता जो बोलते हैं ना, वो भिलाई में कोई थे, उनका कोई भांजा था, बाबा जी के जो मित्र थे, उस मित्र से उस व्यक्ति का भांजा का प्रॉब्लम हो गया, वो भांजा बाबा जी के पास आया, है ना, वो घर नहीं है, रहने को एक प्लॉट दे दिया, वो एक प्लॉट था उनका खुद को, दे दिया उसको, वो तो कोई दिव्यमान दिव्य चेतना का प्रमाण वो केवल उधारता है, वो कोई ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, अध्ययन कैसा करना है, व्यवहार कैसे करना है, साक्षात करके कोई जिज्ञासा नहीं, वो उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्रमाणित किया। ठीक है, ये समझ में आता है? अच्छा, वो तो चले गया क्वेश्चन पूछ के। अभी क्वेश्चन पूछा, इतना बड़ा आंसर दिया थे कि नहीं, वो तो चले गया उठ के अभी। टू ए से शुरू होता है, थ्री ए में समाप्त हो जाता है, एक्चुअली थ्री ए में भी, टू ए में सारे भ्रम खत्म। अनुभव टू ए में शुरू होता है, थ्री ए में पूरा होता है। कुछ चीजों में सेम, अब हमारा बुद्धि वहां तक पहुंचना कठिन है कि क्या डिफरेंस होगा इतने फाइननेस में। भ्रमित जो है बुद्धि है, आत्मा भ्रमित नहीं है, इसमें हम पहले दिन पर्याप्त बात किए। तो निर्भ्रमित स्थिति बुद्धि का निर्भ्रम होना है। बुद्धि का भ्रम क्या है, जैसे मन का एक भ्रम क्या है, आवेश। वृत्ति का भ्रम का स्वरूप क्या है, हट। चित्त के भ्रम का स्वरूप क्या है, अभिमान या इच्छा बंधन। बुद्धि में बंधन नहीं लिखा है, यू हैव आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, देर इज नो बुद्धि बंधन, देर इज नो आत्मा बंधन। ठीक, बुद्धि में बंधन नहीं है परंतु बुद्धि भ्रमित है। तो क्या भ्रम है, अपने आप को सर्वस्व मानता है बुद्धि। एक समय में जब आत्मबोध होता पता चलता रहे यार वो था, है ना, तो निर्भ्रमित जीवन हो गया। बुद्धि आत्मा को सल्यूट करता है, बुद्धि को, आत्मा तो में श्रम है ही नहीं, नित्य शांत है आत्मा, मध्यस्थ है। बुद्धि को विश्राम चाहिए, उसके पहले चित्त को चाहिए। अभी हम लोग जहां पर हैं, वृत्ति को चाहिए या मन को चाहिए? जोमैटो से ऑर्डर करो, स्विगी से ऑर्डर करो, मन का विश्राम। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ रहूं, क्या करूं, ये आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, दुनिया ठीक नहीं है, दुनिया बेकार है, वृत्ति को विश्राम। मेरी चलती नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा समझ है, उसमें चित्त को विश्राम। बुद्धि में विश्राम की क्या आवश्यकता है, अनानंद। मन में विश्राम की आवश्यकता क्या है, दुख। वृत्ति में विश्राम की आवश्यकता क्या है, अशांति। चित्त में विश्राम का आवश्यकता क्या है, असंतोष। बुद्धि के विश्राम का आवश्यकता अनानंद, हायर ग्रेड ऑफ कंटेनमेंट। मतलब हम अभी संतोष तक सोच पाते हैं, बहुत यदि हम धक्का मारे संतोष तक कल्पना जाती है। आनंद क्या है, वो उधर प्रवेश ही नहीं है। आनंद को कल्पना करके सोचो, निरंतर तुक मन में ही हो गया,
वो निरंतर सुख पहले हो जाएगा। वही वहां हमारा उंगली नहीं है ना, जिस पानी में उंगली नहीं है उसका स्वाद कैसा बताएंगे। बुद्धि वही चुप बुद्धि है, चित्त तक चलता है, इसीलिए चित्त तक दुनिया समझ में आती है। बुद्धि में कोई प्रवेश ही नहीं है तो वहां सब कविता चलता है हमारा। आनंद में कैसा लगता है कि आदमी व्याख्या करता, केवल कल्पना, कविता कालिदास, केवल कालिदास विद्या। तो लोग लिखे हैं वो सुख दुख से परे है, ऐसा लगता है वैसा लगता है, वो भाषा से व्यक्त होता नहीं। तो निर्भ्रमता ही विश्राम, तो 2A को विश्राम बोला है, 3A को पूर्ण विश्राम बोला है। ये सब बड़े मुश्किल से मिला है, अभी जो 2-4 मिनट में बताया। नहीं वही विश्राम हो गया है ना 2A में, पहले विश्राम वही समाधान, विश्राम ही समाधान है, समाधान के बाद ही अनुभव है। समाधान की स्थिति पूरी जीवन में आएगी, विचलित होकर कौन सा अनुभव होना है, कुछ नहीं होना है। उसके बाद या साथ, जैसे आपको ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ठीक लगे ले लो है ना, अभी वो छूट है। तुरंत बाद अनुभव या बात, या जैसा जिसका वो है, वो कोई फाइट नहीं है, देर इज नो अर्जेंसी देर है ना, वहां जब पहुंचेंगे तो निपटेंगे उससे। मेरे अनुसार बात, उसके बाद अनुभव, अनुभव बराबर पूर्ण विश्राम, उसके बाद उसके साथ ही विश्राम की निरंतरता, और फिर प्रमाणित करने का क्रम है। यदि घर सेट नहीं है, घर सेट करेगा, यदि घर पहले से सेट है उसको मेंटेन करेगा है ना। सेट नहीं है मतलब आर्थिक रूप से भी सेट नहीं है, यदि सही उत्पादन का स्रोत नहीं है, कुछ छोटी मोटी चेंजेस कर लेंगे। जैसे बाबा जी बहुत बाद में जाके घर का पूरा वो सोलर में बनाए, हम सबको पता था वहां सोलर फेल होगा और फेल हुआ, मगर लगवाए। ये उनको बोलते थे कि ये जो ऊर्जा है हमारा आपराधिक ऊर्जा है, बट गाड़ी में घूमते थे, डीजल का कोई विकल्प नहीं था, अभी पेट्रोल वो आ गया। अभी यदि होते मेरे को लगता है इलेक्ट्रिक ले लेते गाड़ी। अभी प्रचलन में आ गया, पूना में इतना दिखता है इलेक्ट्रिक सडनली, अरे एकदम मशरूम, एकदम विस्फोट हो गया। एक साल में एक बार मुझे पूना गए, 1.5 वर्ष हो रहा है, इतनी सारी इलेक्ट्रिक कार्स, अच्छे बड़े बड़े स्कूटर मोटरसाइकिल, सब ग्रीन प्लेट वाले दिखते हैं, साई 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 है। ओए जिनका बहुत रेगुलर कम्यूट है, जो कुरियर वाले हैं, और पेट्रोल दाम महंगा हो रहा है, और कुछ लोग जो है शौकिया ले रहे हैं, जैसे वो हेक्टर का इलेक्ट्रिक लेता आदमी, या नेक्सॉन, वो सब हेक्टर का इलेक्ट्रिक हो गया, क्या है MG हेक्टर, ये सब मुझे पता है क्योंकि हमारा भाई के साथ सब वो चलता है, वो कुछ सोचते रहता है ये लूं वो लूं। भैया ठीक है, ये देव मान्यता पूर्ण जीवन है, तो ठीक है नेक्स्ट आगे। इसी में 7वीं अनुभूति और 8वीं और 9वीं, ये तीनों समझा दीजिए। अभिधेय पूर्वक जी, अभिधेय पूर्वक ही गंतव्य आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष। अभिधेय मतलब सर्वतोमुखी समाधान, वही अभी बात किया, सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही गंतव्य और आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है, यही जीवन मुक्ति मतलब मुक्त जीवन, सजगता परमानंद तथा दिव्य मानवीयता है। ठीक है, आचरण पूर्णता बराबर गंतव्य, गंतव्य का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, अभी आगे कहीं नहीं जाना है। गति का गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभिधेय है। भैया जीवन मुक्त मतलब, जीवन मुक्त का मतलब भ्रम मुक्त। अच्छा। ये परंपरा की शब्द है, जीवन मुक्ता का एक कंसेप्ट दिया है परंपरा में, जिन व्यक्ति को भ्रम से जीते जी मुक्ति हो जाती है शरीर सहित। एक मुक्ति का सोचा गया है शरीर त्यागने के पश्चात, विदेह मुक्ति होने के बाद फिर मुक्ति होती है, देह विदेह मुक्ति, और एक जीवन मुक्ता है, जीवन मुक्ति की कल्पना या चर्चा या जो भी है भारतीय परंपरा में। तो इसीलिए जीवन मुक्त लिखा मतलब भ्रम मुक्त। यहां पर जीवन मुक्ति का मतलब शरीर यात्रा
को लेने की बाध्यता से मुक्त हो गया, अब वो फ्रीडम हो गया, अब लेना है कि नहीं लेना है उनके हाथ में है। उसके पहले लेना आवश्यकता है, बाध्यता है। तो जीवन मुक्ति का ये मतलब है, शरीर रक्तता की आवश्यकता, स्वयं की जागृति, स्वयं की तृप्ति के लिए शरीर यात्रा की आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसके बाद प्रमाणित करने के लिए लेते हैं, ठीक है। जीवन मुक्त शानदार लाइन है, गति की गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभ्युदय है, यही सर्वतोमुखी समाधान एवं जागृति पूर्णता है। सर्वतोमुखी समाधान और जागृति पूर्णता, गंतव्य आचरण पूर्णता, जीवन मुक्ति, परमानंद, सजगता पूर्णता, दिव्य मानविता, सारा एक ही वो है। तो दिव्य चेतना का डिस्क्रिप्शन है ये सब। दिव्य चेतना में क्या होगा? सर्वतोमुखी समाधान होगा, गति के गंतव्य होगा, आचरण पूर्णता होगा, सजगता पूर्ण होगा, ठीक है। ये समझ में आता है? सर्वतोमुखी समाधान होगा, उसके पहले कुछ समाधान होगा। देखिए नीचे और स्पष्ट किया जो अभी चंद्रशेखर भाई, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता ही भ्रम है, जो जो जागृति में अपूर्णता है। तो स्थिति सत्य के प्रति जो अस्पष्टता है, यह अनुभव पूर्वक ही जाता है। स्थिति सत्य में अनुभव होता है, अनुभव का मतलब सत्ता में संपृक्त प्रकृति का अनुभव। तो स्थिति सत्य अंततः आत्मबोध के साथ भी स्पष्ट नहीं है, अनुभव पूर्वक ही स्पष्ट है। हाँ, वस्तु स्थिति तो चित्त तक निपट जाता है, चित्त तक निपट जाता है। वस्तु स्थिति का ज्ञान चित्त तक हो जाएगा, वस्तुगत सत्य का ज्ञान साक्षात्कार बोध पूर्वक होगा। स्थिति सत्य में प्रवेश आत्मबोध पूर्ण बोध पूर्वक होगा, और स्थिति सत्य में कंप्लीशन अनुभव पूर्वक होगा। ब्यूटीफुल है, आत्मबोध और सत्यबोध एक ही साथ होगा। सत्यबोध मतलब व्यापक का बोध। एक साथ जो लिखा है उतना ही लिखा है, अभी इसमें नहीं लिखा है, उसमें लिखा है जो स्कैन हो। आत्मबोध व सत्य बोध नहीं, एक साथ होगा का मतलब क्या भैया? टाइमिंग के हिसाब से यदि हम एक नैनो क्लॉक रखेंगे देन इट विल बी सीक्वेंशियल, बट द फेज विल बी द सेम। इसलिए कि खाना खा रहा हूं कि पहले मिठाई खाऊंगा कि भोजन खाऊंगा, पहले भोजन खाऊंगा उसके बाद मिठाई खाऊंगा, बट वो एक ही मील है, वो है। एक्सपीरियंस इज, इंग्लिश में बोलेंगे तो कंटिग्यूअस, लगा हुआ है। एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव हुआ, जैसे भोजन खाना एक अनुभव, इट्स अ बैड एग्जांपल, बट उस हमको उतना ही समझ में आता है अभी, है ना, कि भाई खाना खाते समय पहले सूप खाऊंगा, फिर स्टार्टर खाऊंगा, फिर जो भी लंच खाऊंगा, फिर वो खाऊंगा, सारे मिलके खाना है। खाना हो गया, फिर ब्रेक लिया, खेलने गया, आके मिठाई खाया, वो फिर अलग है। हम जो अलग करते हैं उसको उस एक्सपीरियंस से बाहर कर देते हैं, चित्र वो खंडित करते उसमें। वो वैसे एक रायपुर से आए थे ना, उनसे वो मुझे बोलकर गए कि वो नहीं आएंगे, एक पत्रकार आते थे, उन्होंने बोला कि जम नहीं रहा है बुक, ज्यादा वो हो जा रहा है भारी, तो मुझे पूछे क्या करना है। मैंने कहा नहीं जम रहा, तो मत आइए, मतलब नहीं। वो मैंने ये बोल दिया कि और कुछ भेज दूंगा पढ़ने के, सुनने पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मैसेज किया है भेजना बचा है, वो खाली सीट देके याद आया, उधर बैठते थे ना। अच्छा, सीधा है इसमें अनुभव दर्शन में, दो परिचय शुरू करके सीधा अनुभव दर्शन में आया। हाँ, तभी तो मुझे लगा पहले से है इसमें। ओके, फिर ठीक है, वो मैं नहीं पूछ पाया उनसे।
46 में और कुछ? लास्ट वाला भैया, सीमा विहीनता उदय ही जागृति है। सीमा विहीन मतलब दूर दूर तक या दूर दूर तक देख पाना। तो जागृति का मतलब क्या है? असीम ज्ञान, असीम है। जो भी समझना था सारा समझ गया, जो भी समझना चाहता हूं समझ सकता हूं, जहां पहुंचने पहुंच सकते हैं, जागृति है। जैसे अभी हम यहां पर बैठे हैं तो सीमा विहीन हमारी क्या समझ है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप क्या है ना, भारत वर्ष का स्वरूप क्या है, अखंडता का स्वरूप क्या है, ये भी एक सीमा विहीनता है। पहले हम खंड खंड में सोचते हैं, मुरमुंडा वाला अहिवारा वाला ऐसा अलग है, ये सीमा है। सीमा मानसिक होती है, ठीक है ना, ये असीम हो गया। हाँ 47 का पहला 47 46 हो गया पूरा, समाप्त कर 47 पूरा कर लीजिए। 46 का लास्ट वाला भी है, अज्ञान। अज्ञान ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि ज्ञान का अभाव। व्यापक वस्तु कहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय व्यापक वस्तु है। आपको अभी अनुभव करना अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप व्यापक में हो। व्यापक वस्तु का अनुभव करना है, अभी भी व्यापक में ही है, हम सभी व्यापक में ही है। अभी लंच के पहले भी कर सकते हैं, फट फट फट, 8 लोगों का हो सकता है, जितने भी लोग हैं हम, है ना। नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि ज्ञान का अभाव। ज्ञान कम नहीं है, हमारे में क्षमता कम है, हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारा विकास नहीं हुआ, हमारी पात्रता नहीं है। तो हमारी पात्रता, हमारे योग्यता के अर्जन के लिए ही फिर अध्ययन है ना। जो फर्स्ट लाइन था, इनमें आत्मानुगामी बनने योग्य प्रस्थापन प्रक्रिया की साधना संज्ञा है, वही साधना का मतलब है। अनुभव योग्य होना, बुद्धि, उसके पहले बोध योग्य, साक्षात्कार योग्य होना, चित्त, तुलन योग्य वृत्ति और मनन योग्य मन हो पाना, यह योग्यता का विकास है। अभी तो नहीं आएगा, उसको मजा आ रहा है, ठीक है। 46 पूरा हो गया, 47। हाँ जी, यहाँ से कोई बोल रहा था। हाँ, उनका बोलिए पैराग्राफ। हाँ बोलिए। इसमें प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी ना किसी अंश में दर्शन क्षमता डिस्टर्ब है, तो किसी अंश में कोई परिवेश में होगा, मतलब सभी में तो होता होगा ना दर्शन क्षमता? नहीं नहीं, अंश मतलब परमाणु, जीवन का अंश नहीं है, भाग, किसी ने किसी परसेंटेज में, भाग में। प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी ने किसी अंश में दर्शन क्षमता, कोई ऐसा कोई मानव नहीं है कि उसको कुल कोई भी दर्शन नहीं, कुछ तो दिखता है ना। मतलब तुम पूरा गधा हो, वो गलत स्टेटमेंट है, थोड़ा गधा जैसे हो वो ठीक है। मतलब बिल्कुल गधा का मतलब क्या है? उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ समझ में नहीं आता है, वो नहीं होता है वो। तो और उनको मजा आता है ना शरारती करने में, तो आप जितना मना करेंगे उतना करता रहेगा। उसको और देखना बंद कर दीजिए, अपना बंद कर देगा, उसको देखेंगे हाँ, अटेंशन के लिए करता रहेगा, उसका खेल है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है, यह उदय का मूल कारण है, उदय ही अनुमान है। शानदार तर्क दिया। ब्रह्मानुभूति पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, साथ ही अनुमान का भी अभाव नहीं है, अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। कविता है भाई, मामा जी कवि थे ना यहाँ आने के पहले। नहीं, वो जो पूंजाकार भी बनाता है उस एक एडेड तर्क के रूप में दिया है, बट उसका ये मतलब नहीं कि हमको अमेरिका समझना है तो हमारा चित्त इधर से निकल के अमेरिका तक जाके वापस आएगा, उसके रिफ्लेक्शन को हम देख लेते हैं यहीं पर। ये क्रियाशीलता दो अर्थ में है, एक तो पूंजा करके अर्थ में, बट दूसरा इसको तात्विक रूप में देखना पड़ेगा कि जो कंपनात्मक गति है उसमें जो
व्यंजना की जो क्षमता है ना, वो है। इन्हीं दो चीजों को मिला के बता रहे हैं, एक तो कि अपने से अधिक आप सोचे ना, एक हाथी में वही जीवन सक्रिय है, इस बच्चे में भी है, कितना रेंज है उसका। हाथी का जितना बड़ा है उसके सूंड से लेकर पैर तक घूम लेता है। और यदि डायनासोर कोई जीवन युक्त यदि होता, अपने को नहीं पता, तो उतने बड़े में भी था, वही जीवन उड़ भी ले रहा है, भाग भी ले रहा है, तैर भी ले रहा है, एक्सपेंशन एबिलिटी। श्रम मतलब जो सोच रहे हैं उतना तक उसका फैलाव है क्रियाशील में। यहाँ पर क्रियाशीलता भौतिक अर्थ में दिया है ना, उससे फिर हमको उसके कंपनात्मक या तात्विक अर्थ को लेना पड़ेगा उदय के लिए, हमको अपने मन में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट वो नहीं मिलेगा कि वो ज्यादा घूमता है इसीलिए उसको ज्यादा समझ में मतलब उदय होने का मूल कारण है। अनुमान का अनुमान तो जीवनगत है ना, मतलब चित्तवृत्ति गत है। सैतालीस हाँ हाँ यहाँ पर अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। क्या है अंतिम अनुमान, क्या होगा जीवन में, स्वयं और व्यापक के बीच संबंध क्या है, ये भीगे रहने के अनुभव के साथ तिरोहित हुआ। उसके पहले अनुमान क्या है, पूर्ण बोध क्या है, अवधारणा का अनुमान क्या होगा, बोध पूर्णता कैसा होगा, साक्षात्कार में अनुभव अनुमान क्या होगा, अवधारणा पूरा होना कैसा होगा, तुलन का अनुमान क्या होगा, साक्षात्कार क्या होगा, शब्द का बेसिस पे अनुमान क्या होगा, अर्थ क्या होगा, अर्थ का अनुमान क्या है, विचार क्या होगा, फाइनली जाके ज्ञान के अर्थ में जो अनुमान है वो अनुभव में तिरोहित हो गया। अनुभव से अधिक ज्ञान के अर्थ में अनुमान नहीं है। उसके बाद जो अनुमान है वो प्रकटन के अर्थ में है कि ये सब में आएगा, 3-4 समाज में कितना टाइम लगेगा, वो आदमी कितनी देर में समझेगा, पुस्तकें कितनी देर में छपेंगी, है ना, और बाकी व्यवसाय वाला अनुमान हम लोग भी करेंगे, ये बिल्डिंग कितने दिन में बनेगी, आप भी 6 महीना बोलोगे, उनको भी 6 महीना बोलना पड़ेगा, है ना। अनुभव से अधिक अनुमान प्रसिद्ध है, बट वहां पर क्योंकि अनक्लटर्ड माइंड है तो बहुत फास्ट और बहुत सटीक निकलता है। कई बार अनुमान ऑफ भी होता है, मैंने देखा है, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक है ना, कितनी देर में कोई चीज बनेगी वो बोले हैं बट ऐसा नहीं हुआ, वो अनुभव के अनंतर अनुमान है। तो बाबा जी का कहा हुआ सारी चीजें सही निकल गई ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशली मानव के रूप में व्यवहार के रूप में बोलते हैं, अब वो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि 6 महीने बाद इस आदमी का खोपड़ी कैसा चलेगा, उसका कोई पूर्व बीज उभर जाता है, भग लेता है, कुछ कर लेता है ना, मतलब जैसे कुछ लोगों पर विश्वास किए कुछ करने के लिए वो सब नहीं हो पाया है ना, कुछ लोगों में से कुछ भी जो भी है ना विश्वास हुए घटनाओं को छोड़ देते हैं, पर कोई आदमी भौतिक कोई क्रिया करेगा इसका अनुमान गलत निकल गया, किन्हीं लोगों का व्यवहार पक्ष, कोई बौद्धिक पक्ष, ये सारा अनुमान, या हो सकता है उनको पता था और दूसरा बोल रहे, मैं नहीं जानता। ठीक है, ये अनुभव से अधिक अनुमान। चैतन्य इकाई में निर्भ्रमता पूर्वक आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखा है, यही उदय है, यह वह उदय है जिसमें अंधकार में प्रकाश का, मृत्यु में अमरत्व का और अज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। वो कुछ चैप्टर पहले लिखे थे ना, अंधकार के कारण मृग मरीची का, याद है, सांप रस्सी वाला, रज्जू सांप बोलते, सांप को रस्सी मान, इसमें आके खत्म हो जाता है अज्ञात का ज्ञात। सो बाबा जी का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था 1947 में अग्रहार में, अज्ञात का ज्ञात, वो बोला था समाधि में होगा, बोला समाधि में ज्ञान नहीं हुआ, समाधि के बाद संयम करने से आत्मा में, यही विकल्प है।
समाधि ज्ञान का विकल्प क्या है, ये है जो लिखा है लाइन, ठीक है ना। वो डेल्टा, डेल्टा मतलब वो जो छोटी जगह है वो ये है। ज्ञान अनुभव तथा क्रिया दर्शन है, ज्ञान का अनुभव होता है तथा क्रिया का दर्शन होता है, इसलिए अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण, तीनों ही ज्ञान का प्रकटन है। पर बहुत प्रिसाइसली करेंगे तो अस्तित्व दर्शन, क्योंकि अस्तित्व में क्रिया पक्ष का दर्शन, जीवन ज्ञान है ना, मानवतापूर्ण आचरण। वहीं पे दिया भैया, अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है, अपरिमितता को प्रमाणित किया है, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। अपरिमित, परिमित का मतलब क्या है, लिमिटेड, अपरिमित अनलिमिटेडनेस। एक होता ना सर्वज्ञ, जो सब जानता है, जिसको सब पता है, ये कल्पना पहले से दिया है मानव में, भगवान को सब पता, भगवान को नहीं सब पता, आत्मा को सब पता है। वो जो कल्पना भगवान के लिए दिया था, कुछ भी कर सकता है, सब पता है, सबको मदद करता है, सबका दृष्टा है, ये दिव्य पुरुष या आप्त वाक्य, आप्त पुरुष। स्थितिवत्ता का ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। ये तीसरा पैराग्राफ में चैतन्य इकाई ने निर्भ्रमता पूर्वक आशा विचार इच्छा संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला। हाँ, दूर दूर तक फैला मतलब क्या, पूरा अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ ऐसा कुछ है? फिजिकली नहीं फैलता है, वो अनंतता इसमें आ जाती है। जी, कल्पना है, वो अनंत ब्रह्मांड की कल्पना को कर लेता है, ऐसा टाइप कुछ, अनंत ब्रह्मांडों का छाप चित्रण में आ जाता है। आशा विचार इच्छा मतलब कल्पना, कल्पना, हाँ, कल्पनाशीलता। कल्पना मतलब गलत कल्पना, आधारविहीन कल्पना, कल्पनाशीलता, यही उदय है बोल रहे हैं। मतलब जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमको एक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, हाँ, अनुभव में पता चल जाएगा। और अनंत ब्रह्मांड का जैसे ही हमको जो भी हुआ तो वो उदय पूरा हुआ ऐसा बोलेंगे? क्या हुआ ये लिखे ना, अनुभव में अनुमान तिरोहित होता है और उदय ही अनुमान है, तो जैसे ही अनुभव हुआ तो अनंत, मतलब जो ब्रह्मानुभूति हुआ तो अनंत ब्रह्मांड का जो फैलाव था वो दिख गया, तो उदय अनुमान तिरोहित हो जाता है और उदय अनुमान हुए ऐसे। 47 में और कुछ भैया? ये चौथी वस्तु स्थिति में देश वाला, वस्तु स्थिति में देश, काल, दिशा, परिमिति। परिमिति का मतलब क्या है, सीमा, पेरिमीटर। वस्तु स्थिति में देश, काल, दिशा है ना, ये बात किया था कहीं तो किया ना, वस्तु स्थिति में देश, काल, दिशा, परिमिति, वस्तुगत सत्य में रूप, गुण, स्वभाव की परिमिति, परिमिति तथा धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। तो रूप सीमित है ना, जैसे ये कैमरा का रूप सीमित है, इसका गुण विशाल है, ये पकड़ ले रहा है, जैसे इसका एक रेंज है ना, स्वभाव उससे अधिक विशाल है ना, और इसका अस्तित्व धर्म ज्ञान होता है, वो उसके रूप से नहीं है ना। ज्ञान में कोई, मतलब धर्म में कोई रूप नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वैसे सुख धर्मीयता, सुख धर्मीयता कोई कोई रूप है क्या, कोई वजन है क्या, नहीं, हर जगह फैला है। क्यों, कहीं भी आदमी जाओ, कहीं भी जाओ, आदमी सुखी होना चाहता है, वही उसका धर्म है। यहां से उठा के मांस लेके जाओ, सुखी होने के लिए मार्स गया, वहां भी जाता है, या तो सुखी दुखी होता है, वापस आता है। तो धर्म फैला है, इसीलिए धर्म का विशालता, अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है। पूर्ण ही भ्रम है, भ्रम ही प्रत्यक्ष, यही पूर्ण वैभव है। प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है। लाइन चेंज हो गया, ठीक है। ये वस्तु स्थिति पूर्ण ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रत्यक्ष, पूर्ण वैभव, ये स्थिति सत्य के लिए बोला है।
स्थिति सत्य अनुभव के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है ब्रह्म, आमने सामने हो जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब सामने है ना, अभी हमारे सामने क्या है, पुस्तक है, पढ़ाई है, भूख है, प्यास है, तो मन के लिए प्रत्यक्ष है सारी, आत्मा के लिए प्रत्यक्ष ब्रह्म है। भैया ये अनुभूति में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है, अनुभव में भी असीमता को, कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की असीमता अनुभव में ही प्रमाणित होता है, अनुभव पूर्वक प्रमाणित होता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जीवन से छुपा है अनुभव के साथ या बाद, जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। तो प्रमाणित किया है बोल रहे हैं, तो बाबा जी अपने लिए बोल रहे हैं कि ना, और उनके पहले जिनको भी अनुभव हुआ, ठीक है। 47 भैया तीनों साथ में चलते हैं, तीनों का इंक्रीमेंटल क्लैरिटी बढ़ते जाता है। तो यदि ऐसी स्टेटमेंट आ रही कि पहले ये आएगा उसके बाद वो होगा, फिर वो उसके लास्ट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जीवन ज्ञान पूरा होगा, उसके बाद अस्तित्व दर्शन का शेष भाग खत्म हो जाएगा लास्ट में। पहले जीवन ज्ञान पूरा होगा, अस्तित्व दर्शन का अंतिम बिंदु उसके पहले होगा। अस्तित्व दर्शन का कुछ भाग हुए बिना ये जीवन ज्ञान भी नहीं होगा। मानवतापूर्ण आचरण का कुछ भाग हुए बिना ये दोनों ही नहीं होंगे। ये दोनों होने से मानवतापूर्ण आचरण में हाथ लगेगा, ऐसा चलता है। ठीक है, फिर आचरण का अंतिम बिंदु आएगा, क्योंकि आचरण 0-1 नहीं है, सारा इंक्रीमेंटल्स में है हर चीज इनकी। जैसे अभी हम हैं, मान लो हम लोग घोर भ्रमित हैं, भाई कम से कम झगड़ा तो नहीं कर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, इतना तो पक्का है। झगड़ा भले ही हो, चोरी तो नहीं है, एक दूसरे को निपटाने के लिए तो नहीं कोशिश कर रहे, सोच भी लिया, कम से कम प्लान नहीं बनाते, प्लान भी बना ले तो एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। समझ प्रत्यक्ष हुई, एक तो जीवन के लिए वो प्रत्यक्ष है, और फिर व्यवहार के द्वारा दूसरे के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है, यह विचार के द्वारा। हाँ, बुद्धि ही, बुद्धि में ही समझ है तो प्रत्यक्ष ही हो गया ना, बुद्धि और समझ अलग नहीं है। बुद्धि में जो क्रियाशीलता है वही स्वयं समझ है। ठीक है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि अनुभव अव्यक्त है, ये परंपरा में बातचीत, ये कह रहे हैं व्यक्त होता है वही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब सबसे इजीली जो सामने दिखता है ना, हम बोलते वही दिखता है सामने भी, सामने आता। तुम कहां बोल रहे थे कि खट वो मैंने बंद बंद कमरे में रख दिया ना मोक्ष को, दिखता नहीं, उसके बाद उनके जीने का कोई स्वरूप नहीं है, फिर जो भी व्याख्या देते हैं, एक मैंने अनेकों व्याख्या है, वो आचरण स्थिर नहीं है उसके बाद। जैसे समाधि के बाद एक सदाशिवा ब्रह्मेंद्र बोल के एक व्यक्ति है, बहुत फेमस है अद्वैत ट्रेडिशन में, उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है वेदांत सारा, उसको अल्टीमेट मानते हैं, है ना। अब उनके बारे में जो लिखा मैं बोल रहा हूं, मैं तो ऑब्वियसली मिला नहीं, 400 साल पहले हुए आंध्र प्रदेश में, ठीक, उस समय मैं कहां था मुझे नहीं पता, वहीं कहीं रहा होगा, आंध्र तमिलनाडु, मुझे लगता मैं वहीं कहीं घूमता रहा, इधर आ गया अभी। हमारे एक मित्र है, तो एक बार मैं टिकट कर रहा था, है ना, तो बोले अरे यार कब, मैं जब भी आपको देखता हूँ टिकट बनाते रहते हो, कैंसिल कर रहे हो, बना रहे हो, अभी मेरे फोन में आप देखेंगे ना, अभी सडनली फिर 8 टिकट है आना जाना, यहाँ से अमरकंटक, अमरकंटक से फिर पेंडा रोड, पेंडा रोड से पूना, फिर जनवरी में आना जाना, फिर सम्मेलन के लिए आना जाना, है ना, क्रिस क्रॉस 8 टिकट बुक है। तो मैं बोला देखो शुक्र करो, बाबा जी के गुरु जी ने नर्मदा किनारे बोलना मतलब साधना करने बोला है ना, यदि कावेरी किनारे साधना करने बोलते तो मैं वहीं बैठा रहता, तुम टिकट करते रहते।
कावेरी के निकट था, वहीं बोल देते। मैं कई बार सोचता हूँ गुरु जी कभी मिलेंगे तो पूछ लेता, भाई वहीं बोल देता, हम शांति से वहीं रह लेते। जैसे आप लोग सब इधर ही के हो, हैं यहीं खैरागढ़ बिलासपुर इधर उधर पेंड्रा रोड, एक बस लेके पहुंच गए है ना। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र के बारे में बताते हैं कि वो मतलब दीवाना जैसे थे, होश ही नहीं है, भोजन किया नहीं पता। ये समाधि के बाद की व्याख्या है लोगों की, है ना। वो कभी कपड़े भी नहीं पहने, बिना कपड़े के घूम रहे। वो जीवन मतलब वो स्विच ऑफ हो जाता है शरीर से, बट शरीर को खींच रहा है अभी भी। हाँ, इसमें ये आचरण का विपरीत, ये क्या है, अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है। अनुभव प्रत्यक्ष कैसा हो रहा है, ये व्यवहार करेगा, व्यवसाय करेगा, दया करेगा, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करेगा, है ना, उदारता का प्रमाण दिखाएगा। ये सब आचरण बाबा जी ने तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान ही अनुभव के प्रत्यक्ष होने का रूपरेखा है। कभी कभी अपने आप को याद भी दिलाना पड़ता है कितनी बड़ी चीज को हम लोग है ना हाथ में पकड़ के चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, या कम से कम पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हाथ में चलना उसके बाद पहले हाथ में पकड़ में आता है। ये 47 में दिया है अनुभव अनुशासन, तो इसका मतलब स्वानुशासन हो गया अनुभव के बाद। अनुभव के अनुसार बुद्धि चित्त वृत्ति तथा मन का अनुशासित हो जाना ही प्रबुद्धता है। भैया मतलब बाकी जीवन अनुभव के अनुसार हो जाना, आत्मा में अनुभव के अनुसार हो जाना। भैया 48 में 47 पूरा हो गया नहीं, पलटे भैया यहाँ पे है प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है, बीच में है भैया। हाँ, प्रत्येक इकाई की स्थिति ये बॉटल है, बॉटल कहाँ है आप बोलेंगे, आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये बॉटल किधर है ना, पूर्व दिशा मैं बोलूंगा, दूसरा दिशा आप बोलेंगे, अन्य दिशा आपके पीछे वो गद्दा है, आपके पीछे है, उनके लिए सामने है। प्रत्येक इकाई अन्य के तुलना में अपने दिशा को स्पष्ट करती है। ठीक है, क्लियर नहीं। जैसे ये बोर्ड है आपके लिए कहाँ है, मेरे लिए पीछे, उसका दिशा एक ही, जगह एक ही हो आप, बट मैं जब बोलूंगा पीछे बोलूंगा, आप जब बोलेंगे आगे बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये 47 हो गया, 47 ओवर 48। ये लिखा है शरीर की सीमा वाला पांचवा पैर। शरीर की सीमा में जो जागृति स्वप्न सुषुप्ति है वह विषय व राग की सीमा में गण्य है। शरीर की सीमा में जागृति, इसका मतलब क्या है? ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था का जो अनुभव है ये शरीर के साथ ही होता है। एक बार जीवन शरीर को छोड़ देता है तो कोई नींद वींद है नहीं। जैसे अभी हम रात को 8 घंटा सोते हैं, सपना देखते हैं, दिन में जागते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी इसके साथ है ना। रात को सोते हैं तो सोचता हूँ कल ले करूंगा, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। जीवन एक बार शरीर को छोड़ देता है तो नींद नींद कुछ नहीं रहता है, चालू रहता है। ठीक, एक ये जागृति का अर्थ पहले दिया था कि जागृत अवस्था, इसी ऐसी आया था जागृति स्वप्न सुसुप्ति, उसमें आगे उसी के आगे स्पष्ट किया था जागृति मतलब सह अस्तित्व में अनुभव। यहाँ पर शरीर के साथ जागृति कॉन्टेक्स्ट अलग है। जागृत अवस्था वेकिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, ये भी तो जागृति है ना।
जागृति एक पूरा श्रृंखला है, अनुभव होना अंतिम जागृति, जागृति पूर्णता, बोध हो जाना जागृति, अवधारणा हो जाना अर्ध जागृति, चित्त तक हो जाना अल्प जागृति है। अल्प जागृत अवस्था में यदि देखेंगे तो फिर एक मनुष्य के जीवन को देखेंगे तो कभी सो रहा है, उस समय जगा नहीं है। इसको जागृति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें अधिक दिख रहा है और जो दिख रहा है इसकी स्थायित्व है। स्वप्न में जाते हैं ये गोल हो जाता है, कोई नई चीज बनती है, यहां आने के बाद पता चलता वो सही नहीं था, इसलिए भी जागृति है। ये जागृति का स्टार्टिंग है। अगर उसको जागृति बोल रहे हैं तो सोया है फिर भी तो जागृत होगा ना है? जैसे किसी का अनुभव हो गया अब सोया है तो उसको भी तो जागृति। वही महाराज जीवन के अर्थ में ये शरीर के साथ लिखा है ना, वो जीवन के रूप में जागृत होगा बट वो भी तो सोएगा है ना। कि जागृत आदमी पूरा दिन ऐसा बैठा रहेगा आंखें खोल के, शरीर को तो सुलाना पड़ेगा। ठीक है भैया, यहाँ बोल रहे ज्ञान अनुभव तथा क्रिया दर्शन है, तो जो क्रिया होती है तो वो उसका दर्शन होता ही, ऐसा कह रहे हैं? ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान का दर्शन नहीं होता है। भैया पेज नंबर 48 सेकंड पैरा ऊपर से, किसी अंश में सजगता एवं सतर्कता ज्ञान अवस्था की इकाई में पाई जाने वाली अविभाज्य क्षमता जिसकी पूर्णता के लिए विवश है, तो 61 अंश है, तो उसमें से वो जो 122 आचरण होते हैं उसमें तो ये सजगता सतर्कता जो 61 अंश होते हैं परमाणु के अंदर, तो उसमें से किसी अंश की बात कर रहे हैं ये क्या क्या सारा मिलके? सतर्कता का मतलब क्या है? सर्वप्रथम सतर्कता क्या है? मेरा कार्य व्यवहार के बारे में मुझे पता चलना, मतलब वृत्ति मन का दृष्टा बनता है, या मैं शरीर द्वारा व्यक्त हो रहा हूं ये मन को पता चले, यहां से चालू होता है सतर्कता। यहां पर तर्क से संबंध, अलर्टनेस, अलर्ट है कि नहीं, जैसे मैं व्यवहार में गलती नहीं करूं, इसका अलर्टनेस। किसी के घर में गया तो कैसे बैठना है उठना है, एक अलर्टनेस। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, क्या अलर्टनेस भाई? उसके किसी कमरे में घुसने के पहले पूछो, है ना, उसका फ्रिज खोलने के पहले पूछो, या अंदर घुस के पानी मत लेना, उसको बोलो कि भैया पानी चाहिए। उसके घर में क्या सभ्यता है, इसके प्रति अलर्टनेस। झूठा करके पी सकते हैं, ऊपर के ऊपर से पी सकते हैं, वो थाली में हाथ धो सकते हैं, थाली किचन में रहेगा थाली बाहर रहेगा, सब अलर्टनेस है, सभ्यता का अलर्टनेस है। क्या एक दो तीन चार वाला अंश सर जो परमाणु, वही बोल रहा हूं ना, ये 32 अंश में पहले जागृति, मन में जागृति, हमारे व्यवहार के प्रति हर अंश में। अब यहाँ पे किसी अंश में ऐसा, अरे अंश मतलब पार्ट, भाग, वो अंश में बार बार हम इलेक्ट्रॉन में चले जा रहे हैं, पार्ट एंड होल, यहाँ पार्ट एंड होल में बात हो रही है, काउंटिंग में नहीं। किसी अंश में मतलब कुछ हद तक, ठीक है। अच्छा किसी अंश मतलब उसके जीवन के किसी, बट वो भी किसी अंश से ही संबंधित है। अरे कुछ भी होगा जीवन में उन्हीं अंशों में होगा ना, अंशों को छोड़ के तो कुछ होना नहीं है। किसी पार्ट में कोई, किसी भाग में, ठीक हो गया? हाँ ठीक है, पार्ट कर ली, जो ठीक है उसको कर ली, पार्ट। एवरी ह्यूमन, और इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, अलर्टनेस एंड अवेकनिंग आर फाउंड टू सम एक्सटेंट इन एवरी ह्यूमन बींग। चैतन्य का ही अनुभव पूर्वक जागृत है, नहीं उसके ऊपर वाला का जो प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान क्षमता ही चिंतन का प्रधान लक्षण है। सेकंड पैर है उसमें, दूसरा लाइन है उसमें, जो इसके अस्तित्व के प्रति
वही अनुमान है। जैसे अभी जीवन के प्रति हम निर्भर नहीं हुए, उसको स्वीकार लिया, जीवन होता है, सब लोग बोल रहे हैं 22 साल से बोल रहे हैं इस संस्थान में जीवन होता है, जागृत होना चाहता है, अभी तक कोई देख नहीं पाया, अनुमान या देख लिया होगा कोई, ऐसे ही बोल रहा हूं। यह क्रम तब तक रहेगा जब तक समग्र प्रकृति के प्रति रहस्यता का अभाव न हो जाए। जो जिसके अस्तित्व के प्रति निर्भ्रम न होते हुए भी उसके अस्तित्व को स्वीकारता है वही अनुमान। जैसे न्याय होता है हम स्वीकार रहे हैं, न्याय को समझे नहीं रहते, न्याय के बारे में कोई अनुमान है, ठीक है ना। परमाणु होता है मान लिया, कौन देखा अभी तक परमाणु, कोई देख लिया कि किसी ने पोस्टुलेट कर दी, पुस्तकों में लिख दी, मान्यता में आ गई, यही अनुमान। आशा, ठीक है, आस्था वही मानने की क्रिया है, क्योंकि आस्था भय प्रलोभन आस्था की सीरीज में है दर्शन में, यहां पर मानने की क्रिया है, ये बिलीफ, बिलीविंग समथिंग टू एग्जिस्ट विदाउट एक्चुअली हैविंग फर्स्ट सीन इट, ना बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन अवेलेबल। तो ये अभी जो प्रत्यक्ष है वो तो दिखता है, तो उसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है, बट जो नहीं दिखता है प्रत्यक्ष रूप में, या कोई ऐसी वस्तु है जो प्रत्यक्ष में आता ही नहीं, केवल समझ में आता है, जैसे जीवन हो गया, न्याय हो गया, समाधान हो गया, भाई हम एक अनुमान करते हैं कि हाँ, या हमारा मानना है कि जागृति होता है, नागराज जी कोई थे, आप में से कोई नहीं मिला, मान जानने के पहले मानने में अपूर्णता रहेगी, ब्लिंड होगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, भाषा भाष प्रतीति ये सारा जानने के पहले मानना ही है, उसमें परमानेंसी आ जाएगी, दृढ़ता, संकल्प, दृढ़ संकल्प हो जाएगा मानना, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, हिलेगा नहीं, उसके पहले हिलता है, जानने के पहले मानना हिलता है, तो उसको आधार चाहिए, उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा, नागराज जी को जागृति हुआ, अच्छा क्या किया उन्होंने, उनको फोटो तो दिखाओ, है ना, तो कुछ चाहिए, तुम मिले हो, कैसा था, पक्का, तुमने चेक किया, है ना, वो ठीक लगते थे, चलो ठीक है, ये एक आधार बना पाना, बट उसके लिए कोई क्रचेस चाहिए, अवलंबन, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे अपने मतलब मेरी दर्शन के लिए आवश्यकता या समझने की, मेरी उतनी नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, कितने लोग रहते, कितने लोग समझ, अरे यार 22 साल से कोई नहीं समझा तो कैसे मानूं मैं समझूं, अधिक सपोर्ट चाहिए, मेरे अंदर ही आवश्यकता बन जाती इस वस्तु की, ठीक है किसी को नहीं समझ में तो भी ठीक है, हमको समझना इतना पता है, हम चलते रहेंगे, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, ये एक स्टेप आगे बढ़ गया है। ये सारा ही, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया सारा ही वृत्ति चित्त में ही हो रहा है। कौन सा दूसरा वाला मानना, संकल्प यदि है तो बुद्धि में ही हो रहा है, हाँ सारे जीवन क्रियाओं में मानना है, मन में भी मानना है, वृत्ति में मानना है, चित्त में मानना है, बुद्धि में मानना है, आत्मा में मानना है, मोर और लेस परावर्तन क्रिया के, उंगली उंगली उसका, उंगली 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 उंगली, ठीक है बच गया, हाँ ठीक है बच गया, उनको कंट्रोल नहीं रहता ना, दरवाजा बंद कर रहा था वो एक उंगली बीच में, एक बोर्ड परमानेंटली जीवन क्रिया लिख के रख देना चाहिए, बार बार मिटता है, बार बार लिखना पड़ता है रोज, एक बोर्ड परमानेंट व्हाइट बोर्ड कर दिया, उसमें परमानेंट मार्कर से जीवन क्रिया लिख दिया, फिर जो भी प्रबोधक आता है उसके ऊपर वो व्हाइट बोर्ड करके अपना रब कर देगा, क्रिया नहीं मिटेगी, परमानेंट आइडिया तो ठीक, टाइम बचेगा।
मन में पहचानना शुरू होता है, इसका लास्ट पॉइंट वृत्ति है। निर्वाह करना मन प्लस शरीर, मानना जानना यहां दोनों का वो है। कभी इसको पहचानना भी बोले हैं, पहचानना की अंतिम बिंदु इक्वल टू जानना का फर्स्ट बिंदु। तभी जोड़ लो जहां जहां जानना मानना है, जानना मानना ऊपर दोनों आएगा, नीचे मानना पहचानना आएगा, पहचानना निर्वाह करना आएगा, निर्वाह के अनुसार मानना होगा, ठीक है ना। सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाएंगे। मेरा 12% कान गया पहले दिन बोल दिया तो था। ऊपर आत्मा और बुद्धि भी मानना क्रिया होगी उसमें, तो उसका है ना, मतलब लिखा है ना, मानना मतलब उसमें स्वीकारना, मानना मतलब स्वीकारना, और नीचे मानना मतलब स्वीकारना। कहीं भी गया हूँ मानना मतलब स्वीकारना। मानना का मतलब तो बिना जाने स्वीकारना नहीं, वो मान्यता है, वो परिचय शिविर के लिए ठीक है, ये दर्शन, वो मान्यता है। माने क्या है, मैं बोलता नहीं उस वाक्य को इसलिए मुझे याद नहीं है। माने है? माने बिगर जानना, जानने बिगर मानना, क्या कुछ तो बोलते, वो मान्यता है। बिना जाने मानना कुछ भी, वो है। 48 को भी कर लेते हैं, 49 के लिए कल आते हैं, पूरा दिन है ना, नहीं तो रश हो जाएगा। तो टुमारो 49 पूरा करके पूरी बुक में कुछ भी बचा हो तथा जो अन्य बुक्स में बता, उनको जीवन विद्या परिचय से कुछ करना था भैया, समरी भैया पीछे पीछे का भी कुछ भी, इसके पहले से लेकर आपका परिचय शिविर और उसके पहले के शरीर यात्रा तक कल फर्स्ट हाफ में कर लेंगे, ठीक है। मतलब पूरा स्कोप है, अभी तो लिखा अपरिमित है ना, अनुभव अनुभव दर्शन है तो अपरिमिति होनी चाहिए, परिमिति के साथ कैसे चलेंगे, कोई भी बैक ट्रैक करके फर्स्ट हाफ कल 11:30 के ब्रेक के बाद स्वधन पर पूरा कर लेंगे, 11:30 to 1 वो हो जाएगा, उसमें 1.5 hours से ज्यादा नहीं लगेगा, अधिक नहीं लगेगा। परसों का परसों सोच लेते हैं, ठीक है जी, इसको रोके नहीं तो हड़बड़ी हो जाएगा। अभी अभ्यास दर्शन का लास्ट को संकेत भी बोले थे, जल्दी जल्दी करा दिया उसको भी। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, क्वेश्चन अभ्यास दर्शन में कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, पढ़ना तो नहीं हो पाएगा क्लास। अभी आपके जो प्रश्न बने हैं उसको उत्तरित करेंगे, अगले साल और कुछ प्रश्न बनेंगे, उसके बाद फिर बनेंगे, वो चलता रहेगा। कभी तो बंद होगा बट आपके लिए तो बनेगा, ठीक है। कल करें, कल 48:49 प्लस फुक को कंप्लीशन। अपने पास प्रोजेक्टर है इधर? अच्छा हाँ, अच्छा इसमें प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है हाँ। और वो ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है ना, जो एक प्रोजेक्टर था इधर पहले गया, वो काफी यूजफुल, बड़े स्क्रीन इजीली दिखता है वो, हाँ नहीं ठीक है, इसी में कर लेंगे, ये सब जब इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है यही कर लेते हैं, ऐसा कोई खास नहीं, कम लिखना पड़ेगा कुछ नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इस कंप्यूटर से वो हो जाएगा ना, डिस्प्ले इसी कंप्यूटर से हो गया, हाँ कुछ भी ठीक है ना, हो गया। मैं आपको भेज दूंगा वाया ईमेल, फिर आप उसको